वैसे गाइस आई होप यू आर यू वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 28 मार्च, आज का दिन न्यूज पर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन, और इसी के साथ में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला जो एरिया है बहुत ही शानदार रहने वाला है। वीडियो को एंड तक सुनेगा, आप लोगों का मजा आ जाएगा वीडियो को सुनकर। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आप लोग की कवर करने वाला हूँ, जिसमें करंट और स्टैटिक दोनों का मिक्सचर होगा, यानी कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों का होने वाला है। वीडियो के एंड में आप लोगों को दो क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे आप लोग उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए, और आप लोगों की इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, जिससे कि वोकैबुलरी भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां पर कई सारे मैप भी मैं कवर करूंगा, ताकि एग्जाम में आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन न छूटे। पर लेकिन थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है यार, लेक्चर थोड़ा सा लेंदी रहेगा तो आप लोग उसके साथ में कोऑपरेट कर लेना, ठीक है? क्योंकि जब सारी चीजें प्रॉपर वे में जब कवर करनी होती है तो लेक्चर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है? तो बस आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, और इतना आप लोग आई होप कि कोऑपरेट करोगे, ठीक है? थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि खराब नहीं करूंगा, आप लोग उसको एंजॉय करोगे, ठीक है? और आप लोग की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी लेकर आएगा। एक और छोटी सी बात, जब वीडियो कवर हो जाए कंप्लीटली, वीडियो जब आप लोग बंद करो उसके बाद में 1-2 मिनट बैठकर सोचेगा क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, उसको कहते हैं रिकॉल करना। अगर आप लोग उसको रिकॉल करोगे तो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे, और उन्हें कहते हैं कि जहन में चीजें उतर जाना, तो वाली बातें देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में एक और छोटा सा काम करना है, आज का टारगेट क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि आज आप लोग क्या क्या अचीव करने वाले हैं, क्योंकि अगर किसी चीज को एक बार आप लोग लिख कर देख लेते हैं तो फिर आप लोग उसको कभी भूलते नहीं और लंबे समय तक याद रखते हैं, और जब पूरे दिन आप लोग उसको भूलोगे नहीं अपनी चीजों को भी, हाँ क्या क्या हम लोग कंप्लीट करना है, रिकॉल आती रहेगी, यानी कि एक तरीके से आप लोग उसको बार बार दोहराते रहोगे। तो ये कुछ काम है जो अपने दिन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर सकते हैं, और इससे आप लोग के दिन की एक एक मिनट आप लोग ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक काफी बेहतरीन यहाँ पर बात बोली गई, जिसको आप लोग अपनी जिंदगी में नॉर्मली फील भी करते होंगे और अंदर तक आप लोग इसको उतार सकते हैं। हर एक बच्चा कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और हाँ एक आर्टिकल है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसमें मैं आप लोग ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारी कंट्री में बेरोजगारी की क्या हालत है। आप लोग सुनकर मतलब एक लगे से लगेगा रियलिटी में चल क्या रहा है, ठीक है? तो इस तरीके का आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा, तो देखिएगा आप लोग बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कहने का मतलब ये बोला गया कि जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, यानी कि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा आप लोग रोड पर जा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए जैसे लाल बत्ती जली आप लोगों की गाड़ी रुक जाती है, ठीक है? यहां पर बोला गया यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है, यानी कि प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है। तो हमेशा हम लोग को धैर्य रखना चाहिए और प्रयास करें, समय बदलता है, एक तरह समय एक ऐसी चीज जो कभी रुकता नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा एक बार कि अकबर के द्वारा बोला गया बेसिकली बीरबल को कि एक ऐसा शब्द या ऐसी लाइन बताओ जो दुख के टाइम पर इंसान सुने तो अच्छा लगे और सुख के टाइम पर सुने तो एक तरीके से बुरा लगे। तो मतलब क्या है, मतलब था एक लाइन, तो उसमें बीरबल साहब के द्वारा बोला गया, ठीक है भाई साहब हमारा तो काम ही है आपको जोक सुनाना, पर लेकिन यहाँ पर जोक नहीं था, एक बड़ी ही शानदार बात थी। बोला गया ये वक्त भी गुजर जाएगा, मतलब अगर कोई आप लोगों को बोले आप लोग बहुत खुश हो और मजा कर रहे हो जिंदगी का, और आप लोगों को बोले कोई ये वक्त भी गुजर जाएगा तो आप लोग दुखी हो जाओगे, यार ये वक्त चला जाएगा, मजा आ रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बचपन जी रहे हैं, स्कूल को एंजॉय कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना कोई टेंशन ही नहीं है जिंदगी में, तो वो क्या हो गया, वो हो गया एक तरीके से कि हाँ ये है कि बुरी बात बोल दी। पर लेकिन अगर सेम वक्त बोला जाए आप लोगों को जब बहुत बुरा वक्त चल रहा है कि पता नहीं यार क्या होगा जिंदगी में, बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं, कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे लोगों के घर में से कोई ना कोई इंसान चला गया है, तो सब ये था यार कोविड-19 किसी तरीके से चला जाए, तो उस टाइम पर कोई बोले ये वक्त भी गुजर जाएगा तो दिल को थोड़ा सा सुकून देने वाली बात हो जाती है। तो ये वाली चीजें आप लोग जिंदगी में देख सकते हैं, तो धैर्य बनाकर रखिए, कभी भी आप लोग धैर्य मत खोइए, क्योंकि धैर्य ही आप लोगों को आप लोगों की मंजिल तक पहुंचाएगा। तो यहां पर अगर इसको आप लोगों ने खो दिया तो फिर आप लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा, तो अपना ध्यान रखिए थोड़ा सा, और आप ही अपने आप को सबसे शानदार तरीके से संभाल सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत रोल प्ले कर सकता हूँ, कोई टीचर या फिर कोई मोटिवेशनल पर्सन आप लोगों को थोड़ी बहुत बातें बता सकता है, पर एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को ही अपने आप को थामना है, ठीक है? तो ये बात आप लोग अपने जहन में उतार लीजिए, और जब तक आप लोग अपनी खुद की रेस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक कोई भी सॉल्यूशन आप लोगों के सामने निकल कर नहीं आएगा, ठीक है? क्वेश्चन इनको अटेम्प्ट कीजिए। आप लोग यहाँ पर बोला गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में, तो यहाँ पर एक ऐसी बॉडी है बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैचुटरी बॉडी है, या फिर नन ऑफ द अबो। तो सही आंसर क्या है इसका, आंसर दीजिए, और ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग जो है इसका आंसर काफी शानदार तरीके से दोगे, ठीक है? यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें करूं अगर मैं आप लोगों से, तो जो हम लोग न्यूज एनालिसिस वाला डिस्कस करेंगे उसमें कई सारे आर्टिकल है, यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा कुछ यहाँ पर, और अभी रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पर आ रहे हैं,
तो ये काफी बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो भी उस टाइम पर जब सब लोग इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं। आखिर क्या मुद्दा होगा इसके बारे में मैं कई सारी बातें आप लोगों से करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया को बंद करने के लिए, क्योंकि कई सारे एरिया में प्राइस बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोग इसको संविधान के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं वो आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। रबर से रिलेटेड कई सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ पर रबर वगैरह पाई जाती है, तो बहुत सारी इंपोर्टेंट बातें हम लोग जानेंगे, यानी कि न्यूज एनालिसिस भी इंपोर्टेंट होने वाला है। मेरा बेसिकली पर्पज आप लोगों को दिखाने का यहाँ पर ही है, तो थोड़ा सा चीजों को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा पेशेंस के साथ में, ताकि मैं सारी चीजें एक एक कर कवर करूं। ओके, अगर बात करेंगे तो एडिटोरियल कई सारे इंपोर्टेंट है, कुछ ऐसे हैं जैसे यूक्रेन के बारे में यहाँ पर एडिटोरियल है, तो ये रेगुलरली चलते रहेंगे, इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ सॉल्यूशन आ नहीं रहा है और आगे और कंडीशन जो है वो बोला जा रहा है कि खराब होती नजर आ रही है, तो इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें जो आज का डेटा पॉइंट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जहां से हो सकता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाए, तो उसको हम लोग ध्यान से डिस्कस करेंगे, तो उसके बारे में यहां पर जानेंगे। ये है डेटा पॉइंट, ये साउथ इंडिया में बेसिकली तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है, तो इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है WTO के बारे में, और यहां पर TRIPS आप लोगों को मैंने अभी कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था, थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से दे दूंगा कि अभी COVID-19 के चलते क्या बोला जा रहा है, जो गरीब कंट्री है खासकर उनके द्वारा ये बोला गया कि जो दवाइयों के ऊपर आप लोग आज की डेट में रॉयल्टी लगाते हो वो रॉयल्टी हटा दो। मतलब यहाँ पर ये आज के डेट में अगर हम लोग दवाई खरीदने जाते हैं तो उस पर रॉयल्टी लगती है, जिसकी वजह से उसकी कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसने इसके ऊपर रिसर्च करा है, डेवलपमेंट किया है, जिसने पैसा खर्च किया है, उसके पास में पैसा जाता है। तो ये बोला गया था COVID-19 की चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको आप लोग को हटा देना चाहिए, तो उसी मुद्दे को यहां पर बोला गया है कि यहां पर क्या, यहां पर अगर इसको वेव कर दिया तो यहां पर किस तरीके चीजें चलेंगी। तो यहां पर ड्राफ्ट जो लाया जा रहा है ट्राइप्स वेवर का, तो क्या ये WTO की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाएगा? तो ये बात है कि WTO कितना काम यहां पर कर पा रहा है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, साइड में चलेंगे, ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है, ये आज के डेट में इकोनॉमी में अनइक्वलिटी के बारे में देखने को मिलेगा। तो दोनों ही आर्टिकल अच्छे हैं, दोनों में ही एक आप लोगों को एक जिस्ट में दूंगा, जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, ये साइड वाला जो आर्टिकल है ये है उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में योगी जी जो है वो भी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, तो यहाँ पर पूरी ये बातें बताई गई है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने अपनी टीम चुनी है। ठीक है, जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो अपनी टीम चुनते हैं, तो अपनी टीम में इनके द्वारा ऐसा लग रहा है कि जैसे 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर दी गई है, यानी कि हर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन इनके द्वारा दी गई है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है, बाकी क्या क्या किस किस को क्या मिला है वो सब चीजें तो उसको बताने की कोशिश की जा रही है। जो मेन पॉइंट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप लोग नॉर्मल तरीके से अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, लोकसभा में टोटल मिलाकर 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, तो जिधर को उत्तर प्रदेश करवट ले लेता है उधर को ये समझिए वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पार में आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये बेसिकली आंकड़े दिखाए गए। ठीक है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ज्यादा तो नहीं पर कुछ इंपोर्टेंट बातें मैं आप लोग को बता देता हूँ जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या बोला जा रहा है, उससे पहले आप लोग यहाँ पर ये देखिए अभी फिलहाल ना गेम्स जो है वो काफी इंपोर्टेंट हो गए हैं। अगर कुछ टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, पहले यूपीएससी गेम्स से क्वेश्चन नहीं पूछती थी, अब यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ रही है, तो इसलिए क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में। और यहाँ पर बात की जा रही है चेस के बारे में, आप में से चेस कौन कौन खेलना पसंद करता है बताइए। चेस आता है, कई सारे बच्चे तो ये कहते हैं मैं सुडोकू देता हूँ ना भरने के लिए, एक कई सारे बच्चे कहते हैं सर सुडोकू भी नहीं आता। अगर कुछ चीजें आती नहीं है ना तो उसमें सीखने की ट्राई करो उस चीज को। ठीक है, जैसे सुडोकू अगर आप लोगों ने एक बार भरना स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों का माइंड जो है वो एक तरीके से एक्टिव रहना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों का माइंड स्टेबल रहना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं रेगुलरली आप लोगों को सुडोकू जो है वो टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूं ताकि आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सको, तो उसको अटेम्प्ट करने का मौका मत छोड़ा करो। अभी यहां पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, अगर दुनिया भर में आप लोग ग्रांड मास्टर देखोगे यानी कि जो चैंपियन है चेस के फील्ड में, अगर यहां पर टोटल 72 है जो दुनिया भर में, उनमें से 11 इंडिया के आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये बोला गया टॉप 20 में अगर आप लोग जाओगे तो 6 इंडियन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अर्जुन हो गया ये 30 नंबर पर, इसी के साथ में निहाल तो 9वें नंबर पर, 12वें नंबर पर, ये है 14वें नंबर पर, ये है 19वें नंबर पर, तो टोटल मिलाकर टॉप 20 में 6 इंडियन आप लोगों को नजर आ जाएंगे अगर आप लोग देखोगे। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है यार, अगर हमारे देश के जो नन्हे मुन्ने प्लेयर है वो इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, कई बार आप लोगों से पूछ लिया है पर्टिकुलर पर्सन का नाम और बोल देंगे किस गेम से रिलेटेड है, स्टेट बेसिस से क्वेश्चन बड़ी जल्दी पूछता है। ठीक है, तो उसके चलते आप लोग याद रखते हैं, पर लेकिन हर एक लेवल पर क्वेश्चन बन सकता है कि 44th इंटरनेशनल जो चेस ओलंपियाड, ठीक है, तो ये कहां पर होने वाला है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है जिसके बारे में याद रखेगा। 44वां संस्करण जो है यहाँ पर चेस ओलंपियाड का, ये चेन्नई यानी कि तमिलनाडु के अंदर होने वाला है जुलाई से अगस्त के महीने में इसी साल के अंदर में।
तो इसलिए भी यहां पर अभी एक बार आप लोगों को मैंने बता दिया, अब जब यहां पर ये होगा तो उस टाइम पर और इसके बारे में बातें आएंगी, तो आप लोगों को उस टाइम पर रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर सुनने का सबसे बेहतरीन जो बेसिकली मुद्दा होता है वो ये रहता है कि चीजें आप लोगों को रिवाइज होती रहती हैं, क्योंकि चाइना की जैसे आए यहां पर उस दिन आए उस दिन मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, आज इसके ऊपर एडिटोरियल आ गया, आगे भी इसके ऊपर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप लोग बेसिकली रेगुलर न्यूज़पेपर को अगर सुनते हो तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें तो याद हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मुझे इतने दिन हो गए पढ़ाए, ठीक है, कई बार तो पता रहता है कि अब क्या लिखने वाला है यहाँ पर राइटर, तो वो एक एक्सपीरियंस होने लगता है फिर आप लोगों को। ठीक है, तो चाइना के जो मिनिस्टर है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री के अंदर आए, तो यहाँ पर इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। बाकी यहाँ पर ये जो मुद्दा है ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये कौन है, ये है हमारी कंट्री के जो काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है जिन्होंने आप लोग बोल सकते हैं चेस के फील्ड में हमारे देश में जो एक वेव लेकर आए वो है यहाँ पर विश्वनाथ आनंद साहब। ठीक है, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, जिनका नाम जो है वो आप लोग याद रखते हैं, और बाकी ये जरूर याद रखेगा। और ये सारा डेटा पॉइंट जो है जो भी यहाँ पर ये सारी चीजें दे रखी है ये सारी की सारी मैं आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि अगर आप लोग चाहें तो इनको अपने पास में रख सकते हैं। कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, SLVpedia के नाम से टेलीग्राम है, जैसे वैसे नहीं, एक तरीके से आप लोग बोलते हैं एक तरीके से विकिपीडिया, तो उसी के नाम पे मुझे लगा मिलता जुलता नाम जाके यहाँ पर बताया जा सके। ठीक है, यहाँ पर मैं सुडोकू प्रोवाइड कराता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगता है प्रोवाइड कराता रहता हूँ वहां पर, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर मिल जाती है, तो आप लोग इसको पार्ट बना लीजिए। और डेली एक आर्टिकल भी पोस्ट करता हूँ जो काफी फायदा आप लोगों को पहुंचाएगा जब आप लोग बात करते हैं, खासकर किस चीज के बारे में, जब आप लोग बात करते हैं CSAT के बारे में, तो CSAT में कॉम्प्रिहेंसिव स्किल आप लोग की अच्छी होनी चाहिए पढ़ने वाली, तो इसलिए इसके बारे में भी आप लोग याद रखते हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पर एक छोटा सा ये आर्टिकल बेसिकली, जिसमें आप लोगों को कुछ बातें मैंने बताई, गेम्स के बारे में पूछ ले तो याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा, इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड जो है वो चेन्नई में इंडिया के अंदर होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इंडिया में इतने चुपके से आए कि किसी को पता भी नहीं चला। ठीक है, उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से आके निकल भी गए, और कई सारे लोग तो यहाँ पर बेसिकली ये भी बोल रहे हैं कि भाई साहब जाना तो कहीं और था, चले घूमते घूमते यहाँ भी चल पड़े। मतलब क्या बोल दिया इसका, इसका मतलब ये कि ये जब हमारे देश में आए तो ये डायरेक्ट हमारे देश में नहीं आए, ये भाई साहब जो थे ये घूमने भी निकले थे, अपने दौरे पर निकले थे, पाकिस्तान घूम के आए, अफगानिस्तान घूम के आए, तालिबान से मिल के आए, यारी दोस्ती चाय पानी पी के आए, उसके बाद में फिर यहाँ पर इंडिया के अंदर आगे घूमते घूमते, और फिर इनको नेपाल निकालना था, तो इस तरीके से यहाँ पर इनकी कुछ विजिट थी यहाँ पर प्लान। ठीक है, तो इन्हें कहने का मतलब ये था कि बीच में इंडिया भी पड़ रहा था, अब पड़ोस में है पाकिस्तान, तो बीच में इंडिया पड़ रहा था, सोचा चलो यार अगर जा ही रहे हैं तो यहाँ पर अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचे, पाकिस्तान से यहाँ पर बेसिकली इंडिया भी निकल ही लेते हैं, फिर इंडिया से फिर नेपाल पहुंचे, तो इनका ये मुद्दा था। तो कहने का मतलब है कि रियलिटी में लग नहीं रहा था कि इंडिया में ये एक अच्छे मन से आए, क्योंकि जब तक ये इंडिया के अंदर एंट्री नहीं कर गए तब तक तो लोगों को पता भी नहीं था कि ये इंडिया के अंदर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, यानी कि इतना भी कंफर्मेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था, मीडिया में किसी भी साइड से कवर नहीं किया गया इस चीज को। ठीक है, जब ये आगे तब बोला गया कि ऐसा क्या भाई साहब, ऐसा छिपम छिपाई खेलने आए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर इनके द्वारा अगर कई सारे एग्रीमेंट के बारे में बात की गई, पर इंडिया ये बोल रहा है कि भाई साहब तुम्हारे साथ में एग्रीमेंट कर तो लें, पर लेकिन हमको तुम्हारी चीजें पच नहीं रही है। ठीक है, पच नहीं रही मतलब चाइना पता है क्या चाहता है, ये हमेशा ऐसी बातें बोलते हैं जिनको सरना पैर, ये कहते हैं एक तरीके से कि हम तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपते रहेंगे पर फिर भी तुम आगे से मुंह से हम हमारे लिए हवाई करते रहना, ये वाली बातें हैं। मतलब क्या है, मतलब ये कह रहे हैं कि भले ही बॉर्डर पर कुछ भी चल रहा हो यार, उसको इग्नोर करो ना तुम, वो तो हमारा बेसिकली एक तरीके से वेंचर है, वो चलता रहता है, हम लोग मजे लेते रहते हैं किसी भी कंट्री के साथ में, आप लोग बस इतना करो आप लोग हमारे साथ में व्यापार करते रहो, हमारे साथ में अच्छे रिलेशन बना के रखो, सिविलाइजेशन इंडिया और चाइना की टाई को आगे लेकर चलो सिविलाइजेशन के फील्ड में। ठीक है, डेवलपमेंट के फील्ड में विन विन सिचुएशन होगी, दोनों मिलकर काम करेंगे, ऐवे थप्पड़ इतने लगेंगे, बदतमीजी वाली बात देखो, मतलब अब डेवलपमेंट की बात चल रही है, ऊपर से वहां पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से वहां पर जाकर OIC की मीटिंग में गए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की, उसमें यहां पर जाकर बोल रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पर ऊपर कमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं विन विन सिचुएशन है तुम्हारे साथ में काम करो, मतलब ऐसा लग रहा है कि बेवकूफ बैठे यहां पर सब। ठीक है, इसी के साथ में बोले कि मल्टीलेटरल स्पेस में कोऑपरेट करो, मल्टीलेटरल जहां पर कई सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग फील्ड में काम करते नजर आते हैं, खासकर जैसे ब्रिक, आखिर इंडिया में आए क्यों, बेसिकली ये एक नामचारा करना चाह रहे थे कि ब्रिक की मीटिंग हो रही है हमारे देश में, तो न्योता देने आया कि भाई साहब सहपरिवार आइएगा, मतलब जैसे शादी होती है ना कि सहपरिवार आ जाना, अभी तो एक ऐसा भी कार्ड था जो वायरल हो रहा था एक बच्चे के द्वारा बोला गया, उसमें स्ट्रिक्टली लिखवा ब्रैकेट में कि भाई साहब अकेले ही आना, परिवार को लेके मत आना। ठीक है, तो ऐसी भी चीजें हैं, आगे आने वाले टाइम में तो ब्रिक की मीटिंग देखेगी, तो उसके लिए न्योता इनके द्वारा दिया जा रहा था, और इसी के साथ में RIC यानी कि रशिया इंडिया चाइना की भी मीटिंग होने वाली है, तो उसके लिए माहौल बना जा रहा है, अगर इंडिया ने जाने से मना कर दिया तो समझो इंडिया नहीं गए यहाँ पर ब्रिक की कंट्री की मीटिंग के अंदर में, तो कैसा माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट होगी यहाँ पर ये। इसी के साथ में RIC में अगर इंडिया हट गया तो बस रशिया और चाइना रह गया, अब खेल लो बैठकर यहाँ पर लूडो। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी।
तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि इस तरीके से चाह रहे थे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, पर लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ किया नहीं जिससे लगे कि चीजें नॉर्मल होने वाली है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और G20, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ब्रिक में से अगर इंडिया हट जाएगा तो इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, पर लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बताई चलिए कितने मेंबर है, ठीक है, और G20 में तो 20 मेंबर ही है। अगर यहाँ पे चाइना नहीं आएगा तो कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर अगर इंडिया नहीं जाएगा तो मतलब कहने का कि एक गैप बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो उसको बेसिकली फिल करने की कोशिश की जा रही थी, पर लेकिन रियलिटी में लगा नहीं कि इन्होंने वो कोशिश भी की है। अगर एक अच्छी कोशिश होती तो कहने का मतलब ये था कि अच्छी चीजें होती है। तो ये बेसिकली वैसे तो चाह रहे हैं कि रिलेशन जो है उनको रिवाइव किया जाए अच्छे लेवल पर लेकिन रियलिटी में दिल से नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो गए, ऐसा कुछ देखने को मिले यहाँ पर, क्योंकि अब तक का जब ये पहली बार आए थे हमारी कंट्री में अप्रैल 2020 में आए थे, ठीक है, अब लगभग वही टाइम हो गया, यहाँ पर 2 साल बाद आए अभी, यहाँ पर अप्रैल का महीना आने वाला है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर अब तब से लेकर अब तक का दोनों कंट्री के बीच में 15 बार बातें हो चुकी है बॉर्डर के इश्यू को लेकर, पर भाई साहब सुलझाने के लिए तैयार ही नहीं है। ये एक तरीके से खेलते हैं इस चीज को लेकर, सामने वालों को प्रेशर में डालने के लिए इनका एक तिरड़मबाजी होती है इनकी। तो ये आए निकल गए बस अपना कि हाँ घूम के नामचारा करके आ गए, उन्हें कहते हैं शादी में चले जाना भाई साहब, कम से कम कन्यादान तो दे ही है ना, तो वही वाला फंडा आप लोग यहाँ पर इनका देखने को मिलेगा। तो ये काफी एक अलग बात है, एक अलग तरीका माहौल यहाँ पर निकल कर आ रहा है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशन इनके द्वारा हरकतें की जा रही है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ओके, जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ ये आर्टिकल सुनकर आप लोगों को मजा आएगा और एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कुछ इस ऐसे पॉइंट में आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे आप लोग काफी ज्यादा फायदा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है अभी जो गरीबी है उसके में ये बोला गया है अभी यहाँ पर एक एनालिसिस में कि पॉवर्टी जो है वो बढ़ी है, ठीक है, बट इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पर कम हुई है, यानी कि अमीरों और गरीबों के बीच में कुछ खाई यहाँ पर कम हुई है क्योंकि इंपैक्ट जो है वो सबके ऊपर पड़ा है, ठीक है। अगर कुछ मैं आप लोग कॉन्सेप्ट बताना चाहूं जो मुझे लग रहा है बताना चाहिए, आप लोग उनको सुनकर आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और शायद ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके जिनको कईयों को पता नहीं होगा। आप लोगों ने इन्फ्लेशन के बारे में सुना है, इन्फ्लेशन के बारे में अगर कोई आप लोगों से डेफिनेशन पूछे ना, जो कि आप लोग एग्जाम में भी लिख सकते हैं जनरल डेफिनेशन, तो याद रखिएगा इन्फ्लेशन को आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक जनरल एंड परसिस्टेंट राइज इन प्राइस ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस कॉल्ड इन्फ्लेशन। मतलब क्या इसका, मतलब ये कि रेगुलरली जब गुड्स यानी कि जो सामान होते हैं और जो सर्विसेज जो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं अगर वो परसिस्टेंट तरीके से बढ़ता रहे, यानी कि बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर ये वाइड वैरायटी में कि यहाँ पर खेती का सामान है उसमें बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह उनमें भी चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है, दूसरे और कोई सामान हो गया यहाँ पर इंजीनियरिंग गुड्स उसमें बढ़ रहे हैं, तो ये ऐसा हो गया कि हर एक लेवल पर बढ़ रहा है। तो ये जो डेफिनेशन है एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं, और ये जो डेफिनेशन दी गई थी डॉक्टर जो कौशिक बसु साहब के द्वारा यहाँ पर डेफिनेशन दी गई थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के जो यहाँ पर जो बेसिकली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी थे, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मैं आप लोगों से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ इसको बोलते हैं स्क्यूड इन्फ्लेशन, ठीक है, तो स्क्यूड इन्फ्लेशन बोलते हैं बेसिकली एक तरीके से। स्क्यूड इन्फ्लेशन क्या होता है वो कॉन्सेप्ट आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये खासकर COVID-19 के टाइम पर देखने को मिल रहा है, यानी कि एक तो ये हो गया कि इन्फ्लेशन है भाई साहब कभी भी आता रहता है वो तो हम लोगों ने सुना ही है, पर लेकिन यहाँ पर इसके इन्फ्लेशन जो आ रहा है यहाँ पर ये COVID-19 के टाइम पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा एक एक शब्द, ताकि आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए और कोई भी कंफ्यूजन जो है वो आप लोगों को देखने को न मिले। आखिर मतलब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है अगर आप लोगों से कोई पूछे, इन्फ्लेशन का मतलब है कि कोई एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है प्रोडक्ट P1, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट P1 है, इस प्रोडक्ट का जो है वो प्राइस बढ़ गया, तो हम लोगों ने बोला कि यार इन्फ्लेशन आ रहा है प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, पर लेकिन हम लोग पूरे देश की बातें कर रहे हैं। अब यहां पर कोई एक प्रोडक्ट ऐसा भी होगा जिसका प्राइस बढ़ाई नहीं होगा, वो प्रोडक्ट ऐसा का ऐसा ही होगा, तो P2 प्रोडक्ट ऐसा ही है जिसका प्राइस यहां पर बढ़ानी है, यानी कि ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। अब यहां पर एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसका प्राइस जो है वो यहां पर नीचे भी गया होगा, ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे जिनके प्राइस जो है वो आप लोगों को नीचे भी जाते हुए नजर आएंगे। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं, ये सारी सिचुएशन जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं ये सारा का सारा माहौल जो है वो COVID-19 के टाइम का मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यानी कि COVID-19 के टाइम पर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिनके प्राइस बढ़ गए आसमान में, यानी कि डिमांड में सप्लाई में कमी आ गई, जितनी मार्केट में डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्यों, क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो काफी बंद पड़ी हुई थी, वर्कर्स की कमी काफी ज्यादा देखने को मिली थी, लॉकडाउन के चलते सब अपने घर चले गए थे, तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में उनका प्राइस बढ़ गया। आप लोग बताइए आप लोगों को कौन सा प्रोडक्ट ऐसा लगा जिसका प्राइस बढ़ गया आप लोगों पर, जिसके उस द्वारा इंपैक्ट डाला गया, ठीक है, कई सारी दवाइयों के प्राइस भी आप लोगों ने बढ़ते हुए नॉर्मली देखे होंगे, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके प्राइस यहाँ पर बढ़ गए, पर लेकिन कुछ चीजें ऐसी रही जिनके प्राइस जो है वो नहीं बढ़े, यानी कि वो प्राइस ऐसे के ऐसे रहे, ठीक है, यानी कि उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें होंगी और बहुत सारी ऐसी होंगी जिनके प्राइस गिर गए। उनका रीजन क्या था, उनका रीजन ये था कि जैसे ही COVID-19 के चलते लॉकडाउन हटा
तो बहुत सारे डिस्काउंट चलाए गए और कई ने तो आप लोगों ने देखा होगा अपने स्टोर के बाहर प्लेट लगा दी कोविड 19 डिस्काउंट, अलग अलग नाम दे रखे थे उनके द्वारा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली ऐसा हो गया कि यहाँ पर एक ही इकोनॉमी के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट का ऐसा माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि आप लोग जब इसको बोलोगे कंबाइन कर कहीं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कहीं नहीं बढ़ा है किसी प्रोडक्ट पर, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो जो यहाँ पर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन। जब यहाँ पर प्राइस बढ़ जाना इसको बोलेंगे इन्फ्लेशन, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेबल है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, और यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग डिफ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और इसी के साथ में स्टेबल, जब तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर कहीं आप लोगों को देखने को मिलता है तो इसको बोलते हैं आप लोग स्टैग्फ्लेशन, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये इसकी डेफिनेशन है जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती है। और ये जो डेफिनेशन थी ये दी गई है डॉक्टर कौशिक बसु के द्वारा, जिनके बारे में अभी बताया आप लोगों से, ये IMF के साथ भी कनेक्ट थे, यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये स्क्यूफ्लेशन अभी यहाँ पर हमारे देश के अंदर देखने को मिल रहा है, तो ऐसा माहौल नॉर्मली आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने आप लोग क्या बताया कि यानी कि एक तरीके से कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर सारे प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग आप लोग की डेवलप हो, कि क्वेश्चन अगर पूछ जाए तो इसके बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एक और टर्म जिसमें एक बच्चे के द्वारा यहाँ पर डाउट पूछा गया, तो मुझे लगा उसको भी क्लियर कर देता हूं लगे लगे, और कईयों को आपको भी यहाँ पर कंफ्यूजन उसमें हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली आप लोगों ने साइन वेव के बारे में पढ़ा होगा, साइन वेव बोलते हैं इसको कि ऐसे ऊपर जाना और फिर नीचे आना, ये साइन वेव कहलाता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये पूरा हो गया आप लोगों का बेसिकली एक्स एक्सिस और यहाँ पर ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे आप लोग अगर बोलोगे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका प्राइस अगर यहाँ पर बोलो, उस प्रोडक्ट का प्राइस अगर यहाँ पर आप लोग जाओगे तो उसका प्राइस था 100 रुपए, ठीक है। कोई प्रोडक्ट आप लोगों ने खरीदना था उसका प्राइस है 100 रुपए, कोई ए नाम का कोई प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पर इसका प्राइस जो है मतलब मार्केट में कमी रह गई और बेसिकली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसका प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गया और इसका प्राइस बढ़ते बढ़ते यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, इसको बेसिकली इन्फ्लेशन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी पॉजिटिव साइड में बढ़ गया, तो एक तरीके से महंगाई बढ़ गई, तो हम लोग इसको इन्फ्लेशन बोल देते हैं। पर लेकिन सोचो यहाँ पर जब ये पीक पर पहुंच गया, मान लीजिए अब इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 150 रुपए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 150 रुपए इस प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, यहाँ पर ये इन्फ्लेशन हो गया, तो ये पॉजिटिव प्राइस हो गया, यानी कि तरीके से इसका पॉजिटिव में बढ़ रहा है प्राइस, पॉजिटिव मतलब वैसे पॉजिटिव नहीं मतलब बढ़ रहा है प्राइस। पर लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि मार्केट में डिमांड जो है बेसिकली हो सकता है थोड़ी कम हो जाए या फिर सप्लाई बढ़ जाए, तो इसका प्राइस यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये प्राइस यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएगा इसको क्या बोलते हैं, ये आप लोगों को बताना है। और जब यहाँ पर ये प्राइस फिर से 100 रुपए आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली फिर से स्टेबल कंडीशन बन जाएगी। और एक टाइम ऐसा भी होगा कि हो सकता है प्राइस जो है वो नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाह रहा था, ये कंफ्यूजन में कई बार आते हैं। और एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था तो वहां पर दो शब्द लिखे हुए थे, एक जगह लिखा हुआ था डिसइन्फ्लेशन और एक जगह लिखा हुआ था डिफ्लेशन। तो जो डिसइन्फ्लेशन है और जो यहाँ पर डिफ्लेशन है उसमें क्या डिफरेंस है, तो आपको ये बताना है बेसिकली, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये है डिफ्लेशन, यहाँ पर ये वाला है जब यहाँ पर बेसिकली आप लोग नेगेटिव में चले गए, यानी कि पता चला 100 रुपए से घटकर ये प्राइस जो है ये यहाँ पर 70 या फिर 80 रुपए हो गया, तो मान लीजिए 70 रुपए हो गए यहाँ पर ये, तो ये 30 नेगेटिव में चला गया। तो जब नेगेटिव में चला जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में चले जाना इन्फ्लेशन का, ठीक है, एक तरीके से। अब यहां पर डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए यहां पर बढ़ा था फिर यहां पर, तो यहां पर फिर घटा पर लेकिन नेगेटिव में नहीं गया, तो ये वाली जो रेंज होती है यहां पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली यहां पर डिसइन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन और इसको बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। तो डिफ्लेशन तो होता है नेगेटिव वाला और डिसइन्फ्लेशन होता है बेसिकली जो बढ़ा था उसका घटकर कम होना। तो ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जिसके ऊपर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अगर आप लोगों ने पेपर देखे हुए उठाकर, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा यहाँ पर, अभी हम लोगों ने एक तो स्क्यूफ्लेशन के बारे में देखा जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली स्क्यूफ्लेशन का समझाया, और यहाँ पर आप लोगों को इन्फ्लेशन, इसी के साथ में डिसइन्फ्लेशन और इसी के साथ में यहाँ पर डिफ्लेशन, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगा कि कोई डाउट ना हो इस तरीके से, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी नोट डाउन कर लेना, आप लोगों को पता होना चाहिए, कंफ्यूजन आप लोगों इसके लेते नहीं होना चाहिए। अभी यहां पर ये बोला गया कि देखिए इनइक्वलिटी जो है उसके बारे में बातें की जा रही है। अभी यहां पर बोला जा रहा है कि गरीबी बढ़ी है, यानी कि लोग जो है वो ज्यादा गरीब हो गए। रीजन क्या है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, बहुत सारे लोग जो है उनका व्यापार भी ठप हो गया है, कई सारे लोग घुटनों पर आ गए, ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सुसाइड भी किया है काम करने वाले, क्योंकि बहुत सारे धंधे जो है ठप हो गए थे, बिल्कुल चौपट हो गए।
तो यहां पर पॉवर्टी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी है माना जा रहा है, यानी कि ये माना जा रहा है अगर हम लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि गरीबी के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपने आप स्वयं आकर यहां पर ये बातें बोली गई है कि अगर बात करें जो पॉवर्टी के बारे में तो 1.90% बढ़ी है, यानी कि नवंबर 2019 में 7.6% अगर यहां पर बेसिकली गरीब पॉपुलेशन थी, अब बढ़कर 11 हो गई है, तो ये यहां पर पॉवर्टी बढ़ी है यहां पर काफी लार्ज स्केल पर, तो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि किसको आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, ऐसे आखिर यहां पर क्या बोलेंगे यहां पर, अगर ये डेफिनेशन आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। यहां पर वर्ल्ड बैंक जो है वो डिफाइन करते हैं, बेसिकली वर्ल्ड बैंक जो है उनके द्वारा बेसिकली डिफाइन किया गया वर्ल्ड बैंक एज ए परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन विद जो इनकम बिलो 1.9, ये याद रखिएगा, देखिए 1.90, ठीक है, तो उसको आप लोग नॉर्मली पुअर बोलते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन की जो इनकम है यहां पर वो बिलो $1.9 है अगर यहां पर, ठीक है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये कंडीशन अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, तो ये डिफाइन करते हैं बेसिकली कि हाँ पॉवर्टी कैसी है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिफाइन की जाती है। तो रीजन क्या हो गया यहां पर, रीजन यहां पर ये हो गया, हमारे देश में कई सारे लोग अपने अपनी ज्ञाता जो पंडित हैं वो अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं यहां पर कि एक तरीके से वी सेफ रिकवरी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये कौन बोलते हैं, ये गवर्नमेंट बोलती है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है अच्छा COVID-19 के चलते हम लोग बिल्कुल नीचे पहुंच गए, फिर से हम लोग यहां पर आ गए, तो ये हमारी वी सेफ रिकवरी यहां पर हो गई, इनके द्वारा ये बोला गया साहब। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई साहब वी सेफ नहीं थी, डब्ल्यू सेफ थी, मतलब हम लोग नीचे आए, फिर से पहला वेव आया, फिर हम लोग थोड़ा सा सही हुए तो ऊपर पहुंच गए, फिर से दूसरा वेव आ गया, फिर से यहां पर पहुंच गए, तीसरा वेव, फिर से, यानी कि कुछ लोग बोलते हैं डब्ल्यू सेफ इकोनॉमी है, ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बोलते हैं एल सेफ इकोनॉमी है, यानी कि नीचे गिर तो गई है पर ऊपर जो है वो रो रोकर चढ़ रही है, तो ये एल सेफ देखने को मिलेगी। कुछ यहां पर बेसिकली वो सेफ भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इस तरीके से नीचे तो गिर गई पर लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर स्टेबल होती नजर आ रही है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है आगे चलकर नीचे भी आ जाए। पर लेकिन मैक्सिमम जो पंडित थे यहां पर इकोनॉमी के फील्ड के, उनके द्वारा ये बातें बताई गई कि यहां पर इनमें से कोई सेफ हो चाहे ना हो, पर लेकिन के सेफ आप लोग को जरूर देखने को मिलेगी। के सेफ का मतलब क्या है, के सेफ का मतलब यहां पर ये कि यहां पर इसको दो पैटर्न में बेसिकली इनके द्वारा डिवाइड कर दिया गया, यानी कि कुछ तो ऐसे लोग यहां पर जो कि एक तरीके से अगर उनके ऊपर कोविड की मार पड़ी तो ऐसी मार पड़ी कि उनकी कमर टूट गई। जैसे कि अगर बात करें यहां पर हॉस्पिटैलिटी वाला सेक्टर, जैसे कि बात की जाए, जैसे होटल इंडस्ट्री थी बिल्कुल ठप हो गई, लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ठप पड़ गई, बिल्कुल एक तरीके से सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो गई, ठीक है। जैसे कि और भी कई सारी चीजें थी, सर्विस जो थी, जो एक तरीके से कि मार्केट में जाकर इंसान जो है एंजॉय कर रहे हैं, वो सारी चीजें, सारे जो भी मार्केट में जाकर सामान खरीदने बेचने वाले लोग हैं उनकी दिक्कतें देखने को मिली। तो ये ऐसे एरिया थे जो इनमें काम करने वाले थे उनकी खस्ता हालत हो गई, घर में अगर एक आधा कमाने वाला था उसकी डेथ हो गई COVID-19 के चलते, तो भाई साहब कंगाली में आटा गिला, यानी कि और दिक्कत थी और ज्यादा दिक्कत आ गई। सेम कंडीशन इसके अपोजिट आप लोगों को देखने को मिलेगी, ऐसे लोग जो कि यहां पर दुनिया भर का पैसा बनाकर चले गए, उनके पास में इतना पैसा था कि उन्होंने पैसे से पैसा बना लिया। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जो हैंड सैनिटाइजर का बिजनेस स्टार्ट किया और वो करोड़ों में खेल रहे हैं। कुछ ऐसे थे जिन्होंने मास्क बनाने स्टार्ट कर दिए, वो भी करोड़ों में खेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने पीपीई किट पर काम करने स्टार्ट कर दिया, भाई साहब जिन्होंने बेसिकली इसका फायदा उठाया। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी बना दी उन्होंने जो यहां पर दिक्कत देखने को मिल रही थी, तो ये वाले लोग भी आप लोग यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर दिक्कतें कई सारी हैं, हम लोगों को समझना है कि कहां पर क्या क्या बेसिकली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उसको समझाने की यहां पर कोशिश की जा रही है जो कि आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मुद्दा है यहां पर जो कि आप लोगों को समझना है और उसी के चलते यहां पर बोला जा रहा है। अभी एक मेन प्रॉब्लम क्या थी यहां पर, आखिर लोग जो है वो यहां पर ऐसा क्या देखने को मिला जो काफी बड़ी दिक्कत आई, तो सर्विस सेक्टर जो है उसने काफी ज्यादा माहौल खराब कर दिया। सर्विस सेक्टर जो है काफी हद तक यहां पर ठप पड़ गया और इसके चलते यहां पर मैक्सिमम जो लोग थे जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे थे उनकी हालत यहां पर खस्ता हो गई। तो इसलिए यहां पर बोला गया कई सारे की पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट है यहां पर वो इनइक्वालिटी के ऊपर बड़ा ही डिफरेंट तरीके से पड़ रहा है, जैसा लोग सोच रहे थे वैसा पेंडेमिक का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। नॉर्मली जब बोला जाए कि 1990 में जब क्राइसिस आया था उस टाइम पर कुछ और इम्पैक्ट पड़ा था, फिर 2007-08 में जब रिसेशन आया कई सारे लोगों ने बोला था इंजीनियरिंग मत करना, ठीक है, जॉब नहीं मिलेगी, तो उस टाइम पर यहां पर एक अलग तरीका था। यानी कहने का मतलब ये कि नॉर्मली होता है कि चलो कोई दिक्कत होगी उसके बाद फिर रिकवर कर गए, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर जो माहौल अभी देखने को मिला COVID-19 के टाइम पर वो यहां पर एक अलग ही लेवल का है। यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि यहां पर अलग लेवल का है कि पॉवर्टी तो यहां पर बढ़ी रही है, बेसिकली इनइक्वालिटी यहां पर भी कम होती नजर आ रही है कई जगह, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। बाकी देखिए डेटा है कई सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का, इनका डेटा इकट्ठा करके एनालिसिस किया गया, तो ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बस एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। और जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है यहां पर, ये कॉन्सेप्ट कम से कम आप लोग याद रखेगा जिससे आप लोगों के माइंड में डाउट न रहे, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी जिसके चलते आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक चीजें थी, आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और आप लोग इसको बेसिकली ढंग से समझ भी रहे हैं, ठीक है। तो
तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने एक एक कर आप लोगों के सामने डिस्कस की। बाकी देखिए फीडबैक जरूर दिया करो, अगर आप लोगों को लगता है लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं कि हाँ यार ये पसंद आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो डिसलाइक आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ में कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपनी राय लिख सकते हैं आर्टिकल के बारे में या फिर आप लोग बेसिकली डिस्कशन के बारे में, ये फीडबैक होता है। और देखिए यार अगर कोई भी सर्विस आप लोग कोई प्रोवाइड कराते हैं ठीक है, तो फीडबैक तो बनता है कि हाँ अच्छी लग रही है गलत लग रही है, तो ये आप लोगों की ड्यूटी है एक तरीके से ठीक है। तो आप लोग फीडबैक जरूर दिया करो क्योंकि मेरी ड्यूटी है लेक्चर बनाना और फिर आप लोगों से फीडबैक मांगना ताकि आप लोग बता सके कि हाँ ये लेक्चर इस तरीके से चल रहा है। और हर एक लेक्चर के नीचे आप लोग फीडबैक दिया करो क्योंकि हर एक लेक्चर अपने आप में इंडिविजुअल है ठीक है, तो उसमें आप लोग फीडबैक आप लोगों का बहुत ज्यादा मायने रखता है, मुझे डायरेक्शन मिलती रहती है उससे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं ओके। आई होप कि माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होगी, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहां पर ये बता दिया, यहां पर आर्टिकल अभी आप लोगों के लिए, अभी यहां पर ये वाला आर्टिकल आप लोग कवर करा दिया, ये हो गया यहां पर आर्टिकल कवर आप लोगों का। तो मतलब कहने का यहां पर ये कि मैं आप लोगों के जो आर्टिकल कवर करा रहा हूं आप लोगों को बता भी रहा हूं कि आर्टिकल ये कवर हो गए ठीक है, और चाइना वाला आर्टिकल कवर करा दिया ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया यहां पर। अब यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर, ये यहां पर आप लोगों को एक पिक्चर देखने को मिलेगी, ये पिक्चर मैं डालना भूल गया। बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूं, वैसे ही आर्टिकल इंपोर्टेंट नहीं है कि आप लोग बोलेंगे बहुत इंपोर्टेंट है, पर हाँ समाज के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको समझेगा कि आर्टिकल की इंपोर्टेंस क्या है। मतलब कि यहां पर नंबर दिए गए, वैसे आर्टिकल के अंदर कुछ नहीं है, आर्टिकल के अंदर तो क्या बताया गया है, आर्टिकल के अंदर तो बेसिकली बताया गया कि अभी यहां पर एक रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर में पोस्ट निकली, उसमें पोस्ट जो थी वहां पर 35,000 के करीब पोस्ट के लिए यहां पर फॉर्म निकले, 35,000 रेलवे के अंदर में, उसमें हमारे देश में 1.25 करोड़ लोगों के द्वारा फॉर्म भरे गए। चलिए समझ में आता है इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, ये समझ में आती है लोगों की बेरोजगारी पर, लेकिन कंडीशन कहां पर खराब हो जाती है, कंडीशन यहां पर खराब हो जाता है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर बात करें 42 पोस्ट थी यानी कि 42 पोस्ट थी यहां पर, और वो भी किसकी थी यहां पर, ये थी प्योन की यानी कि चपड़ासी की, दूसरी थी यहां पर कुक यानी कि खाने बनाने वाले की ठीक है, प्योन की थी। देखिए क्या समझिएगा जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, ये वाली थोड़ी सी ये अंदर तक बेसिकली दिक्कत करने वाली बात है। कुक की पोस्ट हो गई, गार्डनर की पोस्ट हो गई, गार्डन मतलब जो गार्डन की देखभाली करने वाला माली होता है, तो यानी कि ये पोस्ट थी यहां पर, और इन पोस्ट के लिए यहां पर नॉर्मली अगर देखा जाए तो कई सारी की जगह आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि पांचवी पास इंसान चल जाता है, कि पांचवी पास कर रखियो या फिर आठवीं या दसवीं पास कर रखियो, तो यहां पर ये बोलते हैं चलो यहां पर इस तरीके का इंसान चल जाता है। यहां पर अभी कंडीशन है, ये मैं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश की बता रहा हूं, इसके लिए यहां पर जो बेसिकली यहां पर जो रिसीव किए गए इनके द्वारा मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन, उसमें आप लोगों को डॉक्टरेट की डिग्री लिए हुए पीएचडी किए हुए पर्सन आप लोगों को नजर आ जाएंगे ठीक है, इसमें आप लोगों को एमएससी बीएससी के वो आप लोगों को नजर आ जाएंगे, एमकॉम इंजीनियर आप लोगों को नजर आ जाएंगे, किसके लिए, एक पांचवी क्लास का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप लोगों को इतने हाई क्वालिफाइड पोस्ट मिल रही है। इसका मतलब बेरोजगारी का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। अभी यहां पर सेम बात बोली गई, उत्तर प्रदेश के अंदर में 62 यहां पर पोस्ट निकली थी ठीक है, पुलिस विभाग के अंदर में, उसमें आप लोगों को बहुत सारे पीएचडी होल्डर नजर आ जाएंगे ठीक है। बोला गया 3,700 ऐसे थे जिनमें पीएचडी कर रखी जिन्होंने उसके अंदर में, 50,000 ऐसे थे जो ग्रेजुएट है, और जबकि रिक्वायरमेंट क्या थी उसकी, रिक्वायरमेंट थी उस पोस्ट की कि पांच ही पास होना चाहिए, समझ रहे आप लोग यहां पर। तो यहां पर देखिए एक तो होता है यहां पर जॉब मिलना, एक होता है गरिमा वाली जॉब मिलना, जिस इंसान ने पीएचडी कर रखी है उसको पीएचडी के लेवल की जॉब मिलनी चाहिए। तो समझाने का मुद्दा यहां पर राइटर के द्वारा यह बोला गया कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करोगे तो यहां पर एक तो होता है जॉब मिलना और दूसरा होता है उस लेवल की जॉब मिलना जो हम लोग को चाहिए, पर लेकिन यहां पर वो वाला फंडा आप लोगों को नजर नहीं आएगा, वो लेवल की जॉब मिलती नजर नहीं आएगी जिस लेवल की जॉब के बारे में आप लोग सोच रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर देखने को मिलती है। तो यानी कि एक तरीके से यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इस लेवल पर बढ़ गया है कि जो स्किल्ड और ओवर क्वालिफाइड जो लोग हैं यहां पर वो ऐसी जॉब के लिए जा रहे हैं जिसमें स्किल की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो हमारी कंट्री में ये कंडीशन अभी फिलहाल देखने को मिल रही है जिसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। देखिए इंसान ना जॉब मिल गई चपड़ासी की तो उसको बोलेंगे कि अच्छा इसी के लिए तूने पीएचडी की थी चपड़ासी की जॉब के लिए। ये वही बात हो गई कि एक तरीके से एक बच्चा बोला था कि सर जॉब मिल नहीं रही है, पापा बोल रहे जा घर पे आ जा, मतलब वो प्राइवेट में जॉब करने लगा तो 5,000-7,000 रुपए मिलने लगे उसको, तो उसने बोला कि पापा बोल रहे कि घर पे आ जा इतने तो पैसे मैं ही दे दूंगा तुमको ठीक है। तो यानी कि एक तो वो इंसान हो गया जिसके घर की कंडीशन अच्छी खासी है ठीक है, ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है घर में, और वो बच्चा सोच रहा है कि जॉब की जाए पर लेकिन ऐसा माहौल मिल नहीं रहा है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, तो इसके बारे में यहां पर बेसिकली काम करना काफी जरूरी है। तो ये इसके बारे में यहां पर चीजें समझाई गई हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं ठीक है। तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आप लोग कई सारे लेवल पर देखने को मिलेगा। वैसे अगर मैं बात करूं हमारी कंट्री में, जैसे अगर सेक्टर के बारे में बात करें, जो सर्विस सेक्टर है ना यहां पर स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, जो हमारी कंट्री की जीडीपी में लगभग 60% प्रोवाइड करा रहा है, पर लेकिन एग्रीकल्चर जो है उसमें बिना पढ़े लिखे भी चल जाएंगे यहां पर, तो यहां पर लगभग ओनली 40% ग्रोथ है। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी वहां काम कर रही है जहां पर ग्रोथ निकलकर ही नहीं आता है, और जहां ग्रोथ आता है वहां पर स्किल चाहिए। मैं आप लोगों को बोलूं आप लोगों को टीचिंग करनी है तो एक सर्विस होगी,
पर लेकिन यहां पर अगर आप लोग को नॉलेज नहीं होगी तो आप लोग पढ़ा कैसे पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ये सारे क्या है, ये स्किल्ड लेबर फोर्स है, तो यहां पर इनको सर्विस प्रोवाइड कराना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो इससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों इंडस्ट्री में काम करना है मैन्युफैक्चरिंग की, उसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पर एक चार्ट मैंने प्रोवाइड करा दिया, जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी की बेस पर हो गया, इंटरनेशनल बेस पर, यहां पर रीजनल और यहां पर वॉलेंट्री। तो कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो ये कुछ कुछ डेफिनेशन मैंने प्रोवाइड करा रखी है जिनके बारे में आप लोग याद रखते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फ्रक्शनल क्या होता है, टेम्प्रेरी तौर पर जॉब नहीं मिलना, ठीक है। स्ट्रक्चरल क्या होता है, कुछ स्किल्ड की रिक्वायरमेंट हो गई तो वहां पर गलत आदमी गलत जगह पहुंच गया, तो वो वाली चीजें थी यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बेसिकली साइक्लिक आप लोग कई बार देखने को मिलता है, टाइम टू टाइम एक तरीके से अपग्रेडेशन चीजें होती रहती है, तो हाल काफी यहां पर एक तरीके से इसके बारे में बात करें। सीजनल होता है, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कई तरीके की एम्प्लॉयमेंट की आप लोगों को टर्म यहां पर देखने को मिलेगी, इनकी डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों के लिए डालती है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमिक जो डाउन हो जाते हैं उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं कई बार, ठीक है, फिर रिकवर होते हैं तो फिर से चीजें आ जाती है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन मैंने बेसिकली यहां पर बता दी है। तो जीएस पेपर 3 के अंदर भी आ जाएगा, जीएस पेपर 2 के अंदर भी आ जाएगा। हमारे देश में बेसिकली जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, इसके बारे में याद रखिएगा, और पूरा मैंने इसके ऊपर लेक्चर बना रखा है, अगर आप लोगों को देखना भी हो हमारी कंट्री के जो सेक्टर्स हैं उसके बारे में मैंने पूरा लेक्चर बना रखा है, तो इसको आप लोग देख लेना। बेसिकली जो हमारी कंट्री के 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं और टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं, हमारे के नहीं, बेसिकली इकोनॉमी के सेक्टर है ये, और किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था बढ़ी है तो इन सेक्टर को फॉलो करते हुए बढ़ी है। तो यानी कि ये सेक्टर है जो कि यहाँ पर माई बाप है, इनमें यहां से रो मटेरियल निकलेगा। मान लीजिए यहां से हम लोग गेहूं निकाल कर लेकर आए, फैक्ट्री में गए, उसके हम लोगों ने ब्रेड बना दी और फिर मार्केट में बेच दी, सर्विस हो गई। तो ये सारे सेक्टर इस तरीके से बढ़ेंगे, पहले ये वाला सेक्टर बढ़ेगा प्राइमरी यानी कि रो मटेरियल, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाला बढ़ेगा और तीसरा बढ़ेगा टर्शियरी जहां पर सर्विस मिलती है। पर लेकिन सोचो ये वाला सेक्टर हम लोग काम ही ना करें, हम लोग सीधा यहां से यहां जंप कर जाएं, मतलब क्या है, अपना रो मटेरियल बेचे चाइना को, चाइना बोले कि मैं प्रोडक्ट बनाकर तुमको ला कर दे दूंगा, बस तुम बेचते रहो, इससे क्या होगा, ये वाला सेक्टर गायब हो जाएगा। और ये वाला सेक्टर सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है देश के अंदर में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी होगी, जो कोई प्रोडक्ट बनाया जाएगा, सामान बनाया जाएगा, तो सबसे ज्यादा यहां पर ये वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये आएगी यही सेक्टर नहीं है, तो इसकी वजह से यहां पर जो इस एरिया से ग्रोथ निकलकर काफी कम आ रही है, और यहां पर पढ़े लिखे लोग चाहिए, तो इसीलिए यहां पर बंटाधार हो रखा है। तो हमारी कंट्री में मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट चलाया गया तो वो यहां पर इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, पर लेकिन वो इसी को पूर्ति करने के लिए यहां पर लाया गया था। चाइना का ये वाला सेक्टर इतना शानदार है जिसकी कुछ हद नहीं है, इसलिए चाइना की इकोनॉमी जो है वो बेसिकली मिल्खा सिंह की रफ्तार पर दौड़ रही है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग बेसिकली बेसिक आइडियाज हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, तो सोचा इसके बारे में आप लोग एक ओवरव्यू भी दे दूं, ठीक है। तो ये था बेसिक फंडा जो कि आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन जहां पर भी हो उसको आप लोग जरूर दूर करिएगा, ठीक है। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट के अंदर में जो आप लोगों का पोर्शन आता है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये आज का क्विज है, ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पर चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। तो टेलीग्राम पर ये यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा सिलेबस पीडीएफ पर, तो इसको आप लोग जाकर कनेक्ट कर लेना एक बार। तो ये क्या है, ये यहाँ पर बेसिकली नोबेल जो यहाँ बेसिकली बात की है, फेमस नॉन नोबेल साइंस, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है, मैथमेटिक्स के अवार्ड होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 7 क्वेश्चन है, एक बच्चे के द्वारा काफी अच्छे से इसके आंसर दिए गए, ठीक है, तो आप लोग इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। एक बच्चा कह रहा है सर हिंदी में भी क्वेश्चन को पोस्ट कर देना, तो यार देखूंगा, चलो मैं ट्राई कर यहाँ पर, अगर ये मतलब टाइपिंग तो देखिए मैं नहीं करूंगा, कॉपी अगर ये हो जाता है तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, तो मैं आप लोगों को हिंदी में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, अगर देखिए मैं कोशिश करूंगा, अगर हो गया तो ठीक है, मैं गारंटी नहीं लेता हूं क्योंकि टाइपिंग तो करने नहीं बैठूंगा। हाँ मुझे लग रहा है कॉपी हो जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है, तो फिर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, तो पढ़ के आप लोग अच्छे से आंसर देना। और ये पर्सनालिटी कौन है, इनके बारे में आइडेंटिफाई करना है, तो डेली आता है पहचानो कौन, तो इनको आप लोगों को पहचानना है ये कौन है। लास्ट टाइम जो पहचानो कौन में था यहाँ पर अर्ली, जो यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को यहाँ पर आंसर ही मिल जाते हैं, देखिए यहाँ पर जो लास्ट में जो आप लोगों को मैंने क्विज दिया था ना, उसके सारे आंसर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप लोग जरूर देख लिया कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगाकर ये होमवर्क की तरीके से आप लोग इसको ले सकते हैं, रेगुलर इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो जब मैं पिक्चर पोस्ट करूंगा उसके नीचे हिंदी में पोस्ट कर दूंगा, उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। अभी ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, इसमें और भी कई सारी बातें, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग याद रखते हैं, अभी हमारे देश में आप लोगों ने देखा यहाँ पर हीट काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसके ऊपर मैंने शाम को जो वीडियो आती है 8:30 बजे उसमें एक आर्टिकल पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो क्या था वहां पर आर्टिकल, वो आर्टिकल बेसिकली ये था कि अभी काफी लार्ज स्केल पर टेम्परेचर बढ़ गया, इवन जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में जहां पर बर्फ काफी ज्यादा पड़ती है, वैसे एरिया में भी। तो इसी के चलते हम लोगों ने कई सारी चीज देखी। तो बेसिक मुद्दा क्या था कि हमारी कंट्री में नॉर्मली बारिश हुआ करती थी मार्च के महीने में, पर लेकिन अब की बार मार्च के महीने बारिश देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है इतना ह्यूज लेवल पर यहाँ पर बढ़ गया।
तो मैंने बताया था कि कैसे कैसे आप लोगों को ध्यान रखना है अगर टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि दिक्कतें देखने को वरना मिलने लगती है। यूक्रेन में जितने सारे लोग मारे जा चुके हैं उनकी बात बताई जा रही है। वैसे तो नॉर्मली बोला जा रहा है कि यहाँ पर 1119 ये नंबर बेसिकली बोला जा रहा है सिविलियन मारे गए, पर लेकिन बच्चे भी हैं यहाँ पर, कई सारे ऐसे भी हैं जिनका अब तक सेक्स आइडेंटिफाई नहीं किया गया, लड़का है या फिर लड़की है, बहुत सारे लोग की जान जा रही है। ठीक है, ये दिक्कत देखने को मिल रही है। एक्सोडस बेसिकली काफी देखने को मिलेगा, 3.8 मिलियन लोग हैं वो छोड़ छोड़कर यहाँ पर भाग चुके हैं जिससे चलते अपनी जान बचाकर। एकेडमी अवार्ड 94th एडिशन अभी आप लोगों को संडे में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली संडे में एकेडमी अवार्ड का मतलब क्या होता है, एकेडमी अवार्ड का मतलब जो ऑस्कर अवार्ड होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं इनके बारे में। जैसे बजट को आप लोग क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, बजट जो है वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है संविधान में बताइए जरा। ऐसे यहाँ पर अकेडमी अवार्ड होते हैं, इनको ऑस्कर अवार्ड बोले जाते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो अकेडमी जो लिखा हुआ वहां पर समझ लेना, ऑस्कर के बारे में बात की जा रही है, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है इसके बारे में, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये बेसिकली जो संडे को आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, तो उसी के चलते यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। और लॉस एंजलिस में जो बेसिकली डॉल्बी थिएटर है वहां पर ये पूरी सेरेमनी आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। बाकी पेंडिंग रिफंड के बारे में बात की जा रही है, बोला जाए 13 लाख यहाँ पर जो केसेस है यहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं रिफंड के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी किससे रिलेटेड है यहाँ पर, ये भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के बारे में, तो BSNL की बेइज्जती की जा रही है ऐसा आप लोग बोल सकते हो। ये काफी इंपोर्टेंट यार हमारे देश में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने काफी फायदा लोगों को पहुंचा है, पर लेकिन वही है क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन कई बार ऐसी बन जाती है। तो ये न्यूज इन नंबर्स रहती है जो कि आप लोगों को कई बार फायदा पहुंचाती है, खासकर अगर लिखने के बगैर कुछ कहीं पर आ जाए तो। ओके, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ वो है यहाँ पर किसके बारे में, USA के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में और LNG के बारे में। तो जो LNG गैस होती है बेसिकली उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अभी फिलहाल जो है अगर बात करें, मैंने आप लोगों को अगर याद होगा तो पढ़ाया था किसके बारे में, मैंने आप लोगों को नोड स्टीम के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये आप लोग काफी अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स से भी और जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रशिया से एक गैस पाइपलाइन निकल कर आई थी जिसका नाम था नोड स्टीम। ये जो नोड स्टीम गैस पाइपलाइन थी यहाँ पर, ये ऐसी गैस पाइपलाइन थी जो कि पूरे यूरोप को भर भर कर गैस पहुंचा सकती थी, पर लेकिन उस टाइम पर भी यहाँ पर यूएस ने जो है इसमें उंगली अड़ाई थी। ठीक है, और अभी यहाँ पर फिलहाल क्या किया जा रहा है, अभी यहाँ पर COVID-19 के चलते यहाँ पर उस टाइम पर जर्मनी जो था वो रिलेक्टेंट था कि क्या करना है आगे कैसे लेकर चलना है, पर फिलहाल अभी कंडीशन जो है वो कम्प्लीटली खराब हो चुकी है। नोड स्टीम वोड स्टीम जो है वो सारी ठंडे बस्ते में जा चुके हैं, अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा प्लान नहीं है और दुनिया भर के सैंक्शन अभी लगा चुके हैं। तो देखिए, जब कोई ऐसा माहौल बनता है ना, तो इसका मतलब ये कि एक देश पर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, सब पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो वही माहौल अभी आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिल रहा है, तो यानी कि सबकी खस्ता हालत यहाँ पर हो रखी है ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है यहाँ पर वो LNG सप्लाई कर रहा है लगभग यहाँ पर 50 BCM टू द यूरोपियन यूनियन 2030 तक का। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ये रिड्यूस होगी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर आने वाले टाइम में, तो ऑल्टरनेटिव खोजे जा रहे हैं ऐसा मुद्दा यहाँ पर बोला जा रहा है। यानी कि सब बोलते हैं रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी, रशिया से आएगा, तो यूरोप जो है वो रशिया से जो है अगर बात करें यहाँ पर यूरोप रिलायंस था रशिया के ऊपर लगभग 40% नेचुरल गैस यहाँ पर देखने को मिल रही थी। जर्मनी और मैनी कंट्री जो है ईस्टर्न यूरोप के अंदर में रशिया से वो लगभग 80% के करीब भी यहाँ पर कई जगह आप लोगों को नजर आ रही थी, तो ये काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे इसके ऊपर, पर लेकिन फिलहाल जो है माहौल चेंज हुआ, तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या सिचुएशन बनेगी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अंडर प्रेशर जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है, एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है यूरोप के अंदर में। तो यहाँ पर अभी लास्ट मंथ भी यहाँ पर एक तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को डिक्लेयर किया गया कैसे यूज करना है, ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज के बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब नेचुरल गैस आप लोग यूज करते हो ना, उससे फायदा क्या देखने को मिलता है, उससे एनवायरमेंट को काफी कम नुकसान होता है, तो ये फायदा रहता है। पर लेकिन जब से यहाँ पर ये माहौल बना है, तो यहाँ पर एक अलग ही कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि सोचने के लिए यहाँ पर मजबूर कर रहे हैं क्या किसी को किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये यहाँ से ये वाला फंडा आप लोगों का निकल कर आ रहा है, तो इसके चलते यहाँ पर अभी सोल्यूशन ये है कि देखते हैं कैसे क्या क्या चीजें निकल कर आती है, यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी रख सकती है यहाँ पर। तो ये अभी यहाँ पर जो नोड स्टीम है इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, मैंने आप लोगों से पूरा आर्टिकल भी यहाँ पर डिस्कस किया था कितना कितना माल यहाँ पर पहुंचता है, तो रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, ये सारे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जहां से यहाँ पर जब एक बार गैस पहुंच जाती है रशिया से और फिर यहाँ पर अलग अलग एरिया में पहुंचाई जाती है कि ग्रिड है बेसिकली रशिया, तो सब जगह यहाँ पर पहुंचती नजर आती है। तो इसके चलते काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर सबको देखने को मिल रहा था, पर लेकिन अभी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर खराब हो चुकी है, तो इसके चलते देखना मिलेगा अब क्या क्या कंडीशन यहाँ पर सुधारी जा सकती है। तो ये है सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन हो तो उसको क्लियर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, यानी कि डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, डाउट को कोई मतलब नहीं रहता है, माइंड में चीजों को क्लियर करो और फिर चीजें जो है वो अच्छे से आप लोग लेकर चल पाओगे। ठीक है,
तो ये थी बेसिक चीजें जो कि आप लोग को अच्छे से लेकर चलनी है। अगर कोई डाउट होगा तो बताएगा, फिर उसको दूर कर लिया जाता है जिससे कि कोई दिक्कत न रहे। एक ये छोटा सा पर लेकिन काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए हमारे देश में से कोई बाहर जाता है, ठीक है, तो मान लीजिए वो 6 महीने या फिर उससे ज्यादा अगर बाहर रह गया तो हम लोग क्या बोलने लगते हैं उसको, एनआरआई बोलने लगते हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन। पर लेकिन अगर वो चाहता है कि यहां पर अपने देश में आकर उसको वोट डालना है, तो हमारे देश में अमेंडमेंट किया गया था 2010 में। ये जो अमेंडमेंट किया गया था इसको बोलते हैं बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 2010, जिसके चलते यहां पर अगर कोई यहां पर 6 महीने से ज्यादा अगर बाहर रह रहा है तो अपने देश में आकर यहां पर वो वोट डाल सकते हैं। पर ओनली यहां पर वोट डालेगा वो उसी बूथ पर आकर जिस बूथ पर यहां पर बेसिकली उसका वोट रजिस्टर है वहां पर आकर वोट डालेगा, तो ही इसको एज ए वोटिंग के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। हवाबाजी नहीं चलेगी यहां पर कि ऐसा है कि मैं ठीक है कोई और मेरा वोट डाल देगा, वो खुद आएगा तो ही यहां पर वोट डालेगा। आप लोगों को लगता है आप लोग यूएसए में है और हमारी कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं, आप लोग आकर वोट डालोगे तो रेयरली कोई होगा इतना बड़ा एक तरीके से इलेक्शन प्रेमी, या फिर आप लोग बोल सकते हैं जो किसी के साथ में खुन्नस खाया होगा कि मैं इसको हरा के आऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा देखने को मिला नहीं, तो ऐसे ही हुआ, काफी लो प्रपोर्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो इसके चलते यहाँ पर जो चेंज किया गया वो याद रखिएगा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में अमेंडमेंट किया गया 2016 में, और अलाउ किया गया कि ये क्या कर सकते हैं वोटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट पोस्टल बैलेट सिस्टम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम के तहत यहाँ पर अपना वोट तो डाल सकते हैं पर लेकिन फिजिकली भी उनको यहाँ पर अपना जो है वो सेंड करना पड़ता है, यहाँ पर ये मुद्दा देखने को मिल रहा है। तो अभी ये फैसिलिटी जो है ओवरसीज वोटर को प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, तो बात की जा रही है कि ओवरसीज जो वोटर यहाँ पर उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, जो यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट है, जिसका नाम याद रखिएगा ETPBS, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये आर्टिकल जो है ये पूछा गया, यानी कि क्या हमारे देश में से यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें कई सारी बातें यहाँ पर बोली जाती है, कई बार तो ये बोला जाता है कि हो सकता है इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल जाए, क्यों, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर काम ये चल रहा है। तो अभी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉ मिनिस्ट्री को लिखा गया था 2020 में कि वो क्या करें यहाँ पर ये जो फैसिलिटी एक्सटेंड की जाए जो कि यहाँ पर अलग अलग एरिया में अगर कोई भी यहाँ पर इस तरीके से काम कर रहे हैं। 2021 में असेंबली इलेक्शन में यहाँ पर ये बातें बोली गई थी, पर फिलहाल अभी यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। तो हमारी कंट्री में अगर ऐसा कुछ करना है तो यहाँ पर ये इलेक्शन रूल जो है 1961 के इनको आप लोग याद रखेगा, इसमें यहाँ पर अमेंडमेंट करके यहाँ पर चीजों को आगे लेकर आया जाएगा। ओवरसीज जो वोटर हैं करंटली जो कि अगर बात करें इंडिया में एक तरीके से, तो बोला गया कि प्रायर टू 2010 उनके पास में ऑप्शन ही नहीं था, सिटीजन जो है एक तरीके से यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं था इस तरीके से, पर लेकिन अभी यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनको ताकि एक तरीके से उनको ये फील कराया जा सके कि देश के साथ में कनेक्ट रहना, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है उसमें आप लोग यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर चीजें जो है इस तरीके से वोटिंग वो सारा सिस्टम आप लोग को देखने को मिलेगा। कई सारे लोग तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर पोस्टल बैलेट जो है उसको एक तरीके से मतलब कई सारे बोलते हैं कि मशीन यूज नहीं करने, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ये काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिला कि ईवीएम मशीन के ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अलग अलग फंडे भी ऐसे निकल कर आते हैं, तो सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं, पर आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। तो ये एक आर्टिकल थे यहाँ पर, तो सारे आर्टिकल मैंने एक एक कर आप लोग कवर कर लिए, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को इसको रिलेटेड अब नहीं होना चाहिए। तो ये जो था आप लोगों का, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर कवर कर लिया आर्टिकल जो एलएनजी के बारे में है, ये वोटर के बारे में है, और ये वाला जो है ये तो बेसिकली वर्चुअल रियलिटी के बारे में एक तरीके से बता रहा है कि गूगल जो है कुछ डिवाइस लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। और ये आप लोगों का यहाँ पर ही हो गया। इंग्लिश सीखनी है तो किस तरीके से बोलचाल करनी है, ये मैं आर्टिकल प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, ये बेसिकली पढ़ लेना कैसे रिप्लाई करते हैं कैसे बातें करते हैं उसके बारे में बातें की जा रही है, और ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। तो अब आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, एक एक आर्टिकल जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कवर कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी यहां पर बेसिकली पाकिस्तान में गहमागहमी चल रही है, बेसिकली नो ट्रस्ट वोट अहेड, यानी कि एक तरीके से अहेड ऑफ नो ट्रस्ट वोट इमरान खान जो है करेंगे, अपोजिशन के साथ में कोई डील नहीं होगी। तो देखते हैं यहां पर क्या होता है अभी आने वाले टाइम में, कौन गिरता है और कौन बचता है, ठीक है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हमारी कंट्री में अगर आएंगे तो काफी ज्यादा फोकस देखने को मिलेगा ऑयल परचेज पर पेमेंट, क्योंकि डॉलर यूज करना ही नहीं है, डिफेंस सप्लाई कितनी करनी है, और अभी यहां पर बेसिकली कोयले से रिलेटेड भी कुछ बातें चल रही है, ठीक है। कुक कोयल के बारे में बात की जा रही है, जिसे स्टील में इसको यूज कहते हैं, तो वाली चीजें देखने को मिलेगी। स्विफ्ट जो है इसमें कई सारे बैन लगा दिए गए हैं अभी यहाँ पर। अच्छा, SWIFT की फुल फॉर्म आप लोग बताइए, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। S-400, AK-203 उनके ऊपर कैसे काम करना है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इंडिया यहाँ पर ये बोला है कि यार ये थोड़ा गलत टाइम नहीं चुने तुमने आने के लिए, वैसे हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं सब लोग, ऐसा कुछ कर लो, पर फिर भी चलिए जो भी है देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यूनियन जो है वो प्रोटेस्ट के बारे में बात करिए, क्योंकि कई सारे एरिया में यहाँ पर अभी प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके चलते भारत बंद की बात की जा रही है। अगर कोई भी यूनियन यहाँ पर आता है तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में पार्ट थर्ड में, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें जब आप लोग जाएंगे अगर आप लोग, तो यूनियन आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की बात करें और पीसफुल प्रोटेस्ट आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं।
तो ये आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल अधिकार भी है आप लोगों के लिए। तो ये है कुछ बातें जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप लोगों को माइंड में क्वेश्चन जो है वो क्लियर रहना चाहिए। अभी रबर के बारे में बात की जा रही है केरला के अंदर में, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि स्पेशल ट्रेन जो है वो 51 लाख जो सैंपलिंग जो है वो देखने को मिलेगी, 7 स्टेट में पहुंचा जाएगा रबर केरला से। अभी यहां पर मैं आप लोगों को ये बता दूं, रबर जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा जो उगाई जाती है वो केरला के अंदर ही उगाई जाती है, ठीक है, मतलब केरला के अंदर यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है सबसे ज्यादा केरला के अंदर में। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे ज्यादा पहले नंबर पर केरला आप लोगों को देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर है कर्नाटका, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। जैसे आप लोगों को यहाँ पर मैंने याद होगा आप लोगों को मैंने कुछ बताया था आप लोगों को किसके बारे में कि अगर हम लोग किस किस से सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं, ठीक है, तो मैंने बोला था इराक से, फिर सऊदी अरेबिया से और फिर यूएई से। तो ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, पहले केरला हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया और फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कर्नाटका। तो सबसे ज्यादा केरला, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर कर्नाटका। ब्रिटिश के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था रबर प्लांटेशन हमारी कंट्री में 1902 में, जो कि आज तक ये चली हुई आ रही है और हमारे देश में काफी अच्छा प्रोडक्शन हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप लोगों से पूछा जा सकता है ग्लोबली सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, अगर पूछ ले सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है ग्लोबल पे आप लोगों को थाईलैंड देखने को मिलेगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आप लोगों को इंडोनेशिया देखने को मिलेगा, ठीक है, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहां पर नजर आ जाएगा, तीसरे नंबर पर आप लोगों को मलेशिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मलेशिया यहां पर हो गया तीसरे नंबर पर, तो इनका भी नाम याद रखते हैं, फिर वियतनाम, चाइना और ये सारी। तो ये ग्लोबली सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करता है, पहले नंबर पर जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है चाइना, ठीक है, दूसरे नंबर पर इंडिया जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तीसरे नंबर पर यूएसए और जापान, ये सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा जिससे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए कई बार, जो कि यहां पर कई बार बेसिकली चीजें पूछ ली जाती हैं, तो मुझे लगा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। बाकी यहां पर बात करिए इकोनॉमी के बारे में, बात की जा रही है स्पेस इकोनॉमी के बारे में, तो कुछ बातें हल्का सा यहां पर याद आप लोग रख सकते हैं जिसके चलते हमारी कंट्री बोला जा रहा है स्पेस के फील्ड में लगभग 36,794 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये अच्छी बात है, यहां पर स्पेस बढ़ेगा हमारे वाला आने वाले टाइम में, और जैसे सिचुएशन देखने को मिल रही है जरूरी भी है। ये ओनली 0.23% है जीडीपी का, कोई ज्यादा है नहीं वैसे बोला जाए तो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यहां पर बेसिकली जो मन की बात में कुछ बातें बताई गई थी वो लिखा हुआ है, बोला गया कि 400 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया, काफी बड़ी बात है। तो लोकल फॉर ग्लोबल, लोकल एरिया में प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल लेकर जाना है बेसिकली, उसके बारे में बात की गई। और यहां पर आप लोगों ने कई सारी और भी बेसिकली यहां पर बातें सुनी लोकल फॉर लोकल के लिए, कैसे कैसे कहां कहां पर क्या क्या व्यापार किए जा रहे हैं, ठीक है। अभी यहां पर उसमें यह भी बोला गया कि यहां पर कैसे आने वाले टाइम में हम लोग जो फिजिकली फोकस कर सकते हैं अपने व्यापार को जीएम पोर्टल के ऊपर, ठीक है, जहां पर अगर कुछ भी आप लोग बेचना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर भी, जहां बड़ी बड़ी कंपनी पहले काम किया करती थी, आज की डेट में यहां पर आप लोग भी अपना बेसिकली प्रोडक्ट यहां पर बेच सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट यहां पर खरीदे गए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ओके। तो ये यहां पर बेसिकली कुछ बातें बोली गई, तो इसको आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात करें डीआरडीओ के द्वारा यहां पर बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो टेस्ट फायर की गई है। तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कहां से, ये है चंडीपुर से, उड़ीसा से। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिए, कंफ्यूजन आप लोगों को लेकर इसको नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं डीआरडीओ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग समझ सकते हैं। थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में समझिए एक बार। अगर कल को कोई ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के बारे में आप लोगों से पूछ ले तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ तो भाई किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है यहाँ पर ये, तो नॉर्मल सी बात है, कोई बता देगा आंख बंद कर भी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर इसके कौन चेयरपर्सन है, आप लोगों से ऐसे पूछ लेंगे, तो सतीश रेड्डी साहब जो है वो इसके चेयरपर्सन है और बाकी डिफेंस मिनिस्टर तो आप लोगों को बताया राजनाथ सिंह जी है। यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1958 में बनाई गई थी, लगभग 64 साल पुरानी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, इसके अंदर काफी लार्ज स्केल पर एक ह्यूज साइंटिस्ट टीम हमारी देखने को मिलती है और ये लगभग 5,000 के करीब है जो कि डायरेक्ट यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और इनडायरेक्ट वे में लगभग 25,000 के करीब अदर साइंटिस्ट जो हैं अलग अलग लेवल पर जो सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे साइंटिस्ट टेक्निकल या फिर जो सपोर्टिंग जो पर्सनल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो लगभग 25,000 ही है। तो टोटल लगभग 30,000 की टीम आप लोगों को यहाँ पर डीआरडीओ के अंदर देखने को मिल जाएगी। अच्छी बात यहाँ पर यह है जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी कि स्टार्टिंग में ओनली हमारे पास में 10 लेबोरेटरी थी, पर हम लोगों ने बढ़ाकर अभी 52 लेबोरेटरी कर दी है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितने शानदार लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, और हर एक लेवल पर आर्मामेंट्स वगैरह बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्बैट व्हीकल हो गए, इंजीनियरिंग सिस्टम हो गया, मिसाइल हो गई, नेवल जो सिस्टम हो गया, ट्रेनिंग हो गया, या फिर इवन एग्रीकल्चर के लिए भी कुछ ऐसे आइटम है जो यहाँ पर इनके द्वारा बनाए गए। तो अगर कल को चलकर कोई क्वेश्चन पूछ ले इसके बारे में तो ये मत बोलना एग्रीकल्चर में डीआरडीओ थोड़ी ना काम करेगी, तो भाई साहब कर रही है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ओके।
एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। एक बच्चे ने पूछा भी था अभी एक दो दिन पहले, सर डीआरडीओ में और इसरो में डिफरेंस क्या है। देखिए डीआरडीओ जो होता है ना वो हमारे लिए डिफेंस के लिए काम करता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डिफेंस के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट करने का काम करेगा। जबकि इसरो के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो वो बेसिकली हमारी कंट्री में सैटेलाइट बनाना स्पेस के लिए जो काम किया जाता है बेसिकली इसरो के द्वारा नॉर्मली, जो कि जनता के वेलफेयर के लिए होता है, और यहां पर हम लोग डिफेंस के लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के इस बीच में कोई आप लोगों को बेसिकली एक नहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चीजें आप लोगों को क्लियर आनी चाहिए समझ में। अगर बात करें यहाँ पर कई सारे मिशन हैं इनके, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से क्वालिटी मैन पावर हम लोग को डेवलप करनी है, डिजाइन करना है चीजों को, ये इस तरीके से हमारी कंट्री में वेपन सिस्टम वो सब चीजें, और एक तरीके से कैसे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है जो भी यहाँ पर डिफरेंट पोल में अलग अलग लेवल पर, तो ये सारा काम करता है हमारी कंट्री में ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेसिकली यूटिलाइज और बनाने की कोशिश की जाती है ताकि हम लोग अच्छे से काम कर सके, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा। इंडिया यूए जो है वो ट्रेड पैक्ट साइन करेंगे, तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो देखते हैं यहाँ पर कितना ट्रेड पैक्ट वगैरह साइन किया जाएगा। फर्स्ट मई को यहाँ पर और बातें निकल कर आएंगी, तो बहुत सारी चीजें आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंडिया और यूए जो है यहाँ पर ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट बेसिकली करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैंने तीन बताए थे, पहले होता है यहाँ पर यारी दोस्ती देखने आते हैं, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, तीनों के नाम लिखे मैंने आप लोगों को समझाया था रिश्तेदारी का उदाहरण देकर, ठीक है। बाकी यहाँ पर वनडे टाइप में पूछा जाए कि गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन बने, तो प्रमोद सावंत साहब जो है वो गोवा के चीफ मिनिस्टर बन गए, ठीक है। म्यांमार जो है वो भी बिम्स्टेक में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पूछा सकता है कहाँ पर बिम्स्टेक की मीटिंग होगी, तो ये होगी श्रीलंका के अंदर में, जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो बेसिकली उसको चेयर करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा बिम्स्टेक क्या है, एक ग्रुप है जिसके बारे में मोटा मोटा समझ सकते हैं। 1997 में जो बेसिकली बैंकॉक के अंदर बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू यहाँ पर इसको बनाया गया था, बे ऑफ बंगाल, इसको बोलते हैं बेसिकली द बे ऑफ बंगाल इनिशियल फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कंट्री कौन कौन है आप लोगों के सामने, इंडिया हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहली समिट थाईलैंड में हुई थी यहाँ पर, ठीक है। करंट चेयर अभी आप लोगों को यहाँ पर श्रीलंका इसका देखने को मिल जाएगा। टोटल 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है और लगभग 2.7 ट्रिलियन यहाँ पर कंबाइन आप लोगों को जीडीपी देखने को मिलेगी। हालांकि ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, अभी इंडिया की हो गई है लगभग इतनी, तो ठीक है। यहाँ पर 1/4 वर्ल्ड का ट्रेड आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 6 फोकस एरिया हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इसमें काम करते हैं। तो बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने कवर करा दी, अगर क्वेश्चन कल को कोई पूछ ले तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। श्रीलंका के अंदर है जो कि म्यांमार जाएगा और आर्मी लीडर जाएंगे अटेंड करने, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर बोला गया, ओके। बाकी ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात की जा रही है, तो आने वाले टाइम में देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकाला जाता है। देखिए दुनिया में ना बहुत बुरी दिक्कत देखने को मिल रही है, म्यांमार में आप लोगों को पता है दिक्कत है, यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर यमन के अंदर फिर से दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो सऊदी अरेबिया और यमन के बारे में मैं बेसिकली आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि कल को कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग कंफ्यूजन ना हो। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट आप लोगों को बेसिकली जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से और मैप बेस भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में इस पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है। पहले तो लोकेशन कहाँ है यमन की, तो अपनी कंट्री यहाँ पर है, अपनी कंट्री कंपेयर में देखेगा यमन कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लोगों को यमन देखने को मिलेगा। यमन को कौन कौन सा देश टच करता है, ऊपर आप लोगों को सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा और नीचे आप लोगों को ओमन देखने को मिलेगा। एक साइड में सऊदी अरेबिया और एक साइड में ओमन हो गया, पर लेकिन एक साइड में आप लोगों को यहाँ पर पानी भी यमन के नजर आएगा। तो पानी जब आप लोग देखेंगे तो एक साइड में यहाँ पर आप लोग देखिए इधर रेड सी आप लोगों को देखने को मिलेगा और इधर आप लोगों को गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलेगा। तो यमन जो है यहाँ पर ये इसकी कैपिटल है सना, तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि यहाँ पर अभी आर्टिकल में न्यूज यूज होगी, तो इसके बारे में याद रखिएगा। स्कोट्रा आइलैंड, इसके बारे में भी कुछ बातें मैं आप लोगों से करूंगा क्योंकि ये भी यहाँ पर अभी रिसेंटली न्यूज में है, और ये हो गया अरेबियन सी वाला रीजन। तो ऊपर हो गया सऊदी अरेबिया, ये बार बार न्यूज में आएगा, और ये है ओमन इधर, और बाकी का ये पर्टिकुलर एरिया है, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होना चाहिए। एक और लोकेशन बताता हूं जिसके बारे में जिक्र होगा बेसिकली इसके अंदर में, वो है बैब अल महंदेव, ठीक है। तो बैब अल महंदेव क्या है यहाँ पर, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक ऐसा स्टेट है जो कि यहाँ पर जो रेड सी को यहाँ पर किसके साथ में, गल्फ ऑफ एडन के साथ में कनेक्ट करता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन जो कि कई बार आप लोगों से पूछ लिया है, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज आप लोगों को देखने को मिलता है ईरान वाली साइड में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड का अगर बात करें यहाँ पर काफी सारा व्यापार यहाँ से होता हुआ जाता है, खासकर जब आप लोग बात करेंगे ऊपर आप लोगों को स्वेज कैनाल देखने को मिलेगी, ये जो यहाँ पर रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ में कनेक्ट करती है, तो स्वेज कैनाल, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कैनाल है। इवन आप लोगों ने जब एनसीईआरटी पढ़ी होगी हिस्ट्री उठाकर, या फिर इकोनॉमी की भी एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने पढ़ी है जिसकी कंप्लीट एनसीईआरटी मैंने आप लोग कवर कराई थी इकोनॉमी की 11th की,
ट्वेल्थ की बची हुई है, उसको जब भी टाइम मिलेगा आगे कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन मत लेना। तो इकोनॉमी की इलेवंथ की कंप्लीट करा चुका हूं, उसके अंदर चैप्टर के अंदर यहां पर बकायदा इसको मेंशन किया गया स्वेज कैनाल को। तो स्वेज कैनाल से अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो ये मत बोलना क्वेश्चन क्यों आ गया, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें जो है वो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन कर रखी है। तो स्वेज कैनाल जब यहां पर खोली गई तो काफी ज्यादा हमारी कंट्री में अंग्रेजों का व्यापार बढ़ गया, क्योंकि पहले जो अंग्रेज घूम कर आया करते थे वो उनका घूमने का रास्ता जो था वो बेसिकली कम हो गया। यानी कि पहले अंग्रेज जो थे वो हमारे देश में अगर व्यापार करने आते थे तो यहां से होते हुए वो यहां से होते हुए ऐसे आया करते थे बेसिकली अफ्रीका से होते हुए, पर लेकिन जैसे यहां पर ये खुल गई तो फिर यहां पर ये यहां से होते हुए मेडिटेरेनियन से होते हुए और यहां से इस तरीके से अपने देश के अंदर आने लगे, तो रास्ता जो था वो काफी आसान यहां पर पड़ गया। तो इसलिए यहां पर ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो मैंने मैप के बारे में बता दिया, अब मुद्दा समझ लेते हैं आखिर चल क्या रहा है यहां पर। मुद्दा जो आप लोगों को समझने के लिए यहां पर ये एक ऐसी स्लाइड है जो कि पूरी टाइमलाइन यहां पर बताती है, जिसको आप लोग काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बात की जा रही है 2011 की, जो यमन वॉर अभी चल रही है इसकी कहीं ना कहीं तो जड़ है, और वो जड़ है 2011 में। 2011 में क्या हुआ, अरब स्प्रिंग हुई। अरब स्प्रिंग का मतलब लोग जो थे वो यहां पर जो भी राजा रजवाड़े थे उनकी जो बेसिकली रूल करने के तरीके थे उससे त्राहिमाम आकर लोगों ने बेसिकली यहां पर क्या किया, दंगे फसाद करने स्टार्ट किए। इवन यहां पर टूनिसिया के अंदर तो ऐसी इंसिडेंट देखने को मिला कि एक इंसान ने अपने आप को आग लगा ली। तो उसने जैसे ही आग लगाई तो एक तरीके से वो आग इतनी बड़ी दहक गई कि पूरा जो अरब वर्ल्ड है यहां पर वो बेसिकली उस आग में दहक गया, और पूरे अरब वर्ल्ड में यहां पर यानी कि जो भी ये कंट्री है सारी, खासकर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में, और खासकर ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहां पर जो कि यमन वगैरह वाला रीजन हो गया, तो यहां पर अगर बात करेंगे तो सब जगह दिक्कतें देखने को मिली। यानी कि ऐसा हुआ कि सबको पता था कि यहां पर जो राजा रूल कर रहे हैं वो उस तरीके से कर रहे हैं कि बेसिकली जनता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और जनता जो है वो त्राही माम में है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को प्रॉपर चीजें नहीं मिल रही है। तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिले, जिसके बाद में ये लगा कि अब चेंज करना है यार, इस जनता के साथ में हम मतलब इस राजा रजवाड़ों के साथ में हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, बेसिकली एक यहां पर जो लीडर थे उनका नाम था सलेह, तो उनके द्वारा स्टेप डाउन किया गया और हदी यहां पर प्रेसिडेंट बन गए यमन के। तो फिर भी यहां पर चीजें जो है वो पैटर्न में नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो लीडर बन के आता है, और वो भी उस टाइम पर जब ऑलरेडी देश के अंदर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती है, तो वहां पर फिर तालिबान वाला काम होता है। तालिबान बेसिकली क्या था, अभी अफगानिस्तान के अंदर में एक साइड में गवर्नमेंट चल रही थी पर गवर्नमेंट को मान ही नहीं रहा था, और वहां पर तालिबान जो है पैरेलल में अपनी गवर्नमेंट चला रहा था। ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं यहां पर हुतई कम्युनिटी, तो हुतई कम्युनिटी यहां पर कुछ ऐसा करना चाहता है, पर लेकिन दिक्कत यहीं पर निकल कर आ जाती है। जो हुतई कम्युनिटी है वो जो है वो चाहती है यहां पर अपनी पावर जो है उसको कैप्चर कर ले, और यमन की जो कैपिटल है बेसिकली उसको अपने कंट्रोल में रखा जाए, और पावर जो है वो हुतई कम्युनिटी के कंट्रोल में रहे, और जो लीडर है उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। रीजन क्या था, रीजन यहां पर ये था कि जब इंसान प्रोटेस्ट करे और एक तरीके से गवर्नमेंट झुक जाए तो फिर प्रोटेस्ट करने वाले को लगने लगता है कि हम लोग गवर्नमेंट से ज्यादा ताकतवर हैं। पर ये जो हुतई कम्युनिटी है ये यहां पर अगर इसके यमन के अंदर आ जाती है तो फिर मिर्ची लगनी स्टार्ट हो जाती है किसको, सऊदी अरेबिया को, और यहां पर बेसिकली यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। इनको क्यों मिर्ची लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो हुतई कम्युनिटी है ये हुतई कम्युनिटी सपोर्ट पाती है ईरान से। यानी कि ईरान अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं तो यहां पर ईरान है, तो ईरान की और सऊदी अरेबिया की बनती नहीं है, क्योंकि यहां पर ईरान जो है वो सिया कंट्री है और सऊदी अरेबिया जो है वो एक सुन्नी कंट्री है। तो कल को चलकर अगर ईरान की सपोर्ट वाली गवर्नमेंट यहां पर यमन के अंदर बन जाती है, या कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि पावर इतनी रखता है कि यहां पर कंट्रोल कर ले यमन के अंदर में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया का कितना बड़ा बॉर्डर टच करता है यहां पर। तो सऊदी अरेबिया को सदमा लगने लगेगा कि कल को अगर ईरान चाहेगा अपनी हुतई कम्युनिटी को बोलकर हमारी कंट्री के अंदर जो इंटरनल बेसिकली स्टेबिलिटी को हनन कर सकता है। तो इसके चलते यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जो सऊदी अरेबिया है वो चाहते हैं कि यहां पर यमन को अपने कंट्रोल में रखा जाए, इसीलिए जो यहां पर लीडर हुआ करते थे यहां पर वो हमेशा इनके तोते हुआ करते थे, इनके हिसाब से यहां पर काम किया करते थे। तो ये कंडीशन जब तक आराम से चल रही थी तब तक चलती रही, पर जैसे ही हुतई कम्युनिटी ने यहां पर अपने हाथ में पावर लेना स्टार्ट की तो यहां पर सऊदी अरेबिया को लगा कि अब गड़बड़ होने वाली है। तो सऊदी अरेबिया ने क्या कि यहां पर इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और इतने सारे अटैक किए कि इतने सारे का मतलब इतना ज्यादा लार्ज स्केल पर यहां पर बम्बार्डमेंट की, आप लोग एक बार को सुनकर हैरान हो जाओगे कि यहां पर सऊदी अरेबिया के द्वारा 25,000 के करीब स्ट्राइक की गई है, समझ रहे हैं आप लोग। तो उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, और हुतई कम्युनिटी भी चुप रहने वाला नहीं था, यहां पर हुतई कम्युनिटी के द्वारा भी लगभग 4,000 के करीब यहां पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए, तो बहुत सारे लोगों की इसके बीच में जान भी गई। ये जो लड़ाई थी ये काफी लंबे समय तक चलती रही इसी पैटर्न में। तो आगे चलकर यहां पर क्या हुआ, बेसिकली जो सऊदी अरेबिया ये हरकतें कर रहा था और बोला था कि वो हुतई कम्युनिटी को अपने कंट्रोल में ले लेगा और सारी चीजें अपने हिसाब से चला लेगा, वो लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ चलता रहेगा, और लग ऐसा रहा था कि ये वॉर जो है वो इसी तरीके से काफी लंबी यहां पर खींचने वाली है। और जैसे जैसे ये वॉर खींच रही थी वैसे वैसे वहां पर लोगों की जान जा रही थी। लोगों की जान क्यों जा रही थी, आप लोग खुद समझ सकते हैं, यहां पर अगर कुछ ऐसी चीजें होती रहे
तो वहां पर किस तरीके से दिक्कतें देखने को मिलेगी, ये माना गया कि इस पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर में जहां पर ये बम्बार्डमेंट दोनों होते ही कम्युनिटी और सऊदी अरेबिया की जो फोर्स थी उनके बीच में चल रहे थे, 3.5 लाख के करीब जो लोग यहां पर, 3.5 लाख के करीब जो लोग यहां पर अगर बात करें वो यहां पर मर गए बम्बार्डमेंट की वजह से नहीं। इंटरेस्टिंग चीज आप लोग ये जानने को मिलेगी, इंटरेस्टिंग क्या हैरान करने वाली है कि वो जो लोग हैं यहां पर वो खाने की वजह से उनको फूड नहीं मिला, वो लोग जो हैं यहां पर पानी की वजह से उनको क्लीन पानी नहीं मिला पीने का, वो लोग जो है उनको हेल्थ की सर्विस नहीं मिली, तो उसकी वजह से लगभग 3.5 लाख के करीब लोगों की जान चली गई। आप लोग समझ रहे हैं जिस देश में आप लोग रह रहे हैं आज के डेट में, भाई साहब बहुत ही शांति प्रिय एक एरिया में आप लोग रहते हैं जहां पर आप लोग जरा सी देर में अपने हिसाब से कुछ भी बोल देते हैं किसी को उठाकर। सोचो यहां पर भूख की वजह से यहां पर लोगों की जान चली गई, ठीक है, तो काफी बड़ी यहां पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली। तो ये एक काफी दर्दनाक घटना थी जो कि यहां पर अरब स्क्रीम से चलकर यहां पर ये इस मुकाम पर आकर पहुंच गई और यहां पर इनके ऊपर किसी के द्वारा फोकस भी नहीं दिया गया। तो क्या आप लोग को लग रहा है कि यहां पर सऊदी अरेबिया जो है वो यहां पर बस इसी एक मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं और यहां पर यूएई नहीं, अकेला मुद्दा नहीं है, यहां पर एक डोमिनेशन भी चाहते हैं वो यहां पर बेसिकली रेड सी वाले एरिया में, यहां पर ये चाहते हैं कल को अगर यहां पर हुतई कम्युनिटी आ जाती है तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो रेड सी का जो काफी बड़ा एक रीजन है जहां से व्यापार होता है काफी लार्ज स्केल पर, लगभग 10% या फिर इससे ज्यादा के करीब आप लोगों को व्यापार देखने को मिलेगा इसी पर्टिकुलर रीजन से यहां से होता है। तो अगर कल को यहां पर हुतई कम्युनिटी आकर बैठ जाती है तो ईरान का कंट्रोल यहां पर आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा, सऊदी अरेबिया और यूएई यहां पर ये बिल्कुल नहीं चाहता है। इसी के साथ में जो स्कोटर आइलैंड है ये यहां पर चाहते हैं इसके ऊपर भी कंट्रोल अपना किया जाए ताकि यहां पर चीजें अपने हिसाब से चलती रहे। ये इस पर्टिकुलर रीजन में यहां पर चाहते हैं अपनी जो बेसिकली पाइपलाइन वगैरह भी यहां पर बिछाना चाहते हैं, अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। और एक काफी इंपोर्टेंट रीजन है जो काफी न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार, ये है मारीब रीजन। मारीब रीजन है यहां पर, ये काफी ज्यादा एक रिसोर्स युक्त रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि कई सारे यहां पर जो खनिज लवण आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो कि सना कैपिटल से थोड़ा सा साइड में आप लोगों को नजर आएगा। तो ये रीजन पर अगर कल को बेसिकली यहां पर जो हुतई कम्युनिटी अगर कंट्रोल कर लेती है तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर में जब तालिबान आया तो उसने अफीम की खेती पर अपना कब्जा कर लिया, तो फिर उससे क्या हुआ, कम से कम उसको कुछ तो पैसा वहां से मिलने लगा अफीम का व्यापार करके। तो कल को चलकर अगर ये रीजन जो है हुतई कम्युनिटी अपने प्रॉपर कंट्रोल में रखती है और यहां पर इसके पास में पैसा आने लगेगा यहां से रिसोर्सेज निकालकर बेचकर, तो सऊदी अरेबिया ये कतई नहीं चाहता है कि यहां पर ये चीजें जो है वो इस तरीके से आगे बढ़े। और हुतई कम्युनिटी जो है वो भी अपना यहां पर उनका भी इंटरेस्ट ये है, सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि पूरे जो यमन को अपने कंट्रोल में रखा जाए, नॉर्थ यमन हो चाहे ईस्ट वेस्ट साउथ यमन पूरा, और इसी के साथ में जो स्कोटर आइलैंड है उसको भी चाहते हैं ये अपने कंट्रोल में रहे। तो सऊदी अरेबिया का जो इंटरेस्ट है वो आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा और हुतई कम्युनिटी का इंटरेस्ट आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा। बेसिकली अपना अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश यहां पर की जाती है दोनों कम्युनिटी के द्वारा, इस तरीके से यहां पर ये मुद्दे निकल कर आते हैं। तो ये तब से अभी यहां पर लंबे समय से बम्बार्डमेंट चल रही थी, तो उसी का अभी ये मुद्दा जो आप लोगों को देखने को मिला यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो यहां पर अभी एक ड्रोन अटैक किया गया और उसमें 2 इंडियन की भी जान गई, तो यहां पर ये हुतई कम्युनिटी के द्वारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ली गई कि हमने ये अटैक किया था, क्योंकि यहां पर काफी लंबे समय से ये वॉर जो है वो चली हुई आ रही थी जिसकी वजह से यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही थी। तो आगे आने वाले टाइम में ये भी एक काफी बड़ा एक युद्ध रिकर रीजन यहां पर आप लोगों को बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हैं यहां पर, जो कि काफी बुरी एक कंडीशन यहां पर क्रिएट कर रहा है जब इस तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी ये पूरा मुद्दा है जो मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया, तो इसके चलते काफी सारे लोग जो है भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, काफी सारे इश्यूज आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया और यूएई क्या चाहते हैं यहां पर, यमन के अंदर कौन पार चाहता है, ईरान को लेकर यहां पर क्यों टेंशन में, तो एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को यहां पर क्लियर करा दिया। पॉइंट के साथ में जो मैंने मैप्स आप लोगों को दिखाया यहां पर, जैसे यहां पर ये मारीब रीजन हो गया, ठीक है, यहां पर इसकी कैपिटल होगी, यहां पर ये सना, ये इधर रेड सी हो गया, ये एरिया आप लोग जरूर याद रखेगा, ये स्कोटर आइलैंड हो गया, यहां पर जिबूती आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इनसे डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। यहां पर कौन कौन किसको कनेक्ट करते हैं, यहां पर बब अल महदेब यहां पर क्यों न्यूज में, अगर यहां पर कंट्रोल हो जाता है तो काफी सारा व्यापार अपने हिसाब से यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें भी आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो बताइएगा जरूर, आगे जब भी टाइम मिलेगा उसको भी कवर कर लेंगे, ओके। अब आप लोगों के माइंड में सारी चीजें क्लियर है, यहां पर आप लोगों की सुडोकू है जो कि मैं टेलीग्राम पर भी पोस्ट करता हूं, तो इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। काफी अच्छे से आंसर देंगे यहां पर केशु चौरसे के द्वारा और इसी के साथ में यहां पर बेसिकली डेडिकेशन के द्वारा, तो ये काफी डिटेल में आंसर लिखते हैं, तो आप लोग आंसर इनके देख सकते हैं, काफी सिस्टमेटिक वे में आंसर दिया जाए, तो आप भी इनको बेसिकली अच्छे से अटेम्प्ट किया कीजिए, ठीक है। इसी के साथ में क्वेश्चन मैंने पूछा था, फिर उसके बाद में आप लोगों को वोकैबुलरी बताता हूं, क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं आप लोगों को। तो यहां पर ये कैसी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है यहां पर आप लोग देखते हैं बेसिकली, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर में यहां पर आती है, 2016 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और जो मिनिस्टर होते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर के, इनके जो यहां पर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर, वो यहां पर बेसिकली इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
आज के अगर आप लोगों को यहाँ पर इंप्रूव करनी है यहाँ पर बेसिकली इंग्लिश, तो 5 शब्द मैं डेली आप लोगों को देता हूँ जिसको आप लोग बेसिकली अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं और अच्छे से इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। सेंटेंस फॉर्म करने की जरूर कोशिश करिएगा इनके ऊपर, ठीक है। पहला बोला गया रिट्रीवल, यानी कि अपोन, जिसको रिट्रीव नहीं किया जा सके, जिसको एक तरीके से रिकवर नहीं किया जा सके, खो गया, ठीक है, गुम हो गया, तो उसको बोलते हैं रिट्रीवल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना। आईम होता है नजर रखना, यानी कि मेरी नजर है तुम्हारे ऊपर, मैं देख रहा हूँ कौन कौन आंसर देता है, सबके ऊपर मेरी नजर है, ठीक है, कौन कौन सेंटेंस फॉर्म करता है, तो इसको अच्छे से फॉर्म किया करो। कई सारे बच्चे जो है, देखो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा यार, पर लेकिन आप लोग जो अगर इसको नहीं देखोगे तो क्या फायदा है फिर, ठीक है। मैं नेक्स्ट बात की गेरअप के बारे में, तैयार हो जाओ एक तरीके से बोला गया, ठीक है, गेट रेडी, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर कैलेमिटीज, इसका मतलब होता है नुकसान दे, कैलेमिटी के बारे में सुना होगा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो ये एक ग्रेट डैमेज की बात की जा रही है। फ्यूरियस मतलब आग बबूला, एक्सट्रीमली एंग्री, मुझे गुस्सा आ जाता है जब भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि एक तरीके से आप लोग क्या करना है कि आप लोगों को आंसर देना है, पढ़ाई करनी है, शेड्यूल फॉलो करना है, टाइम पर उठना है, और आप लोग नहीं करते तो मुझे, मैं आग बबूला हो जाता हूँ, मतलब बता रहा हूँ सेंटेंस बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये मुझे मतलब लगता है यार थोड़ा सा कि मतलब मेहनत कर रहे हैं तो सामने वाले मेहनत करें, तो आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए, तो ये बेसिकली लगता है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसे दे सकते हैं लाइक कर डिसलाइक कर या फिर कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, और पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और क्वेश्चन भी पोस्ट कर दूंगा आंसर राइटिंग के, उनको भी जरूर लिखेगा। बाकी आसपास फिर पानी और पेड़ पौधों को सेफ कीजिए, पॉलिथिन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।